Hello friends, so now this is our last session on amendments. I am going to cover all remaining amendments of GST as well as for customs. ठीक है, तो ये session में हम amendment start करेंगे invoice की, उसके बाद में refund, anti-profiteering measure, okay, and yes, कुछ customs की amendments हम देखेंगे. Okay बेटा, आई होप आपका स्टडी अच्छे से चल रहा होगा. नाउ चैप्टर है टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट. वो छोटी सी अमेंडमेंट हुई है ये चैप्टर में, कोई ज़्यादा बड़ी अमेंडमेंट नहीं है. एक क्यूआर कोड से रिलेटेड हुई है और एक क्यूआर कोड की सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट यही है कि आपका टैक्स इनवॉइस हो या बिल ऑफ सप्लाई हो, आपके इनवॉइस पे आपको क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा. ये एक मार्क के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आ सकता है. तो टैक्स इनवॉइस हो, बिल ऑफ सप्लाई हो या कुछ भी हो, नाउ यू हैव टू जनरेट योर क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइस. उसका प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पे बाय नोटिफिकेशन दिया है, तो ये प्रोसीजर हमारे सिलेबस में नहीं है. बट यस, क्यूआर कोड ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट उन्होंने लाई है. उसके बाद में सेक्शन 31(3)(b) ऑफ CGST एक्ट, इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ. सेक्शन 31(3)(b) ऑफ CGST एक्ट क्या था, चलो यहाँ फटाफट समझ लो. सेक्शन 31(3)(b) ऑफ CGST एक्ट ये था कि अगर आप B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपका इनवॉइस वैल्यू 200 से कम है, आई रिपीट, इनवॉइस वैल्यू लेस देन 200 है और ट्रांजेक्शन B2C है, तो वो सिचुएशन में आपने हर इंडिविजुअल केस में इनवॉइस नहीं भी दिया तो चलेगा. ठीक है, तो छोटे छोटे इस पे क्या इनवॉइस दें, ओके, तो अब कोई चॉकलेट खरीदने आएगा ग्रोसरी शॉप में, कोई छोटा सा आइटम लेने आएगा, तो सब इसमें इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है. हर ट्रांजेक्शन का टैक्स इनवॉइस बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. डन. तो ये एक छोटा सा प्रोविज़न था, लेकिन उसमें रूल 46 में ये भी कंडीशन थी कि ये सिर्फ B2C ट्रांजेक्शन में हो सकता है, अनरजिस्टर्ड केस में हो सकता है. और दूसरा जो है यहाँ पे यस, अगर आपका बायर टैक्स इनवॉइस मांग रहा है तो आपको देना पड़ेगा, अगर वो टैक्स इनवॉइस नहीं मांग रहा है तो ठीक है, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है. और जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके दिन के हुए हैं और बिलो 200 हुए हैं, ध्यान से सुनना, जो भी ट्रांजेक्शन फॉर एंटायर डे हुआ है और लेस देन 200 हुआ है, तो वो सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे यस, वो ट्रांजेक्शन्स जो उसका एक एट द एंड ऑफ द डे, आई रिपीट, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना पड़ेगा, एक सिंगल इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और वो सिंगल इनवॉइस जो है आपको यहाँ पे इशू जनरेट करके रखना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा. ये प्रोविज़न थी. इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है और वो देखो क्या, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट रजिस्टर पर्सन अदर देन सप्लायर एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन. सबसे पहले तो आपका ध्यान लाना चाहूँगा, ये अमेंडमेंट सिर्फ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए है. ये जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है उनके लिए ही अमेंडमेंट की गई है. और वर्ड है अदर देन, ध्यान से देखिएगा, वर्ड है अदर देन, मतलब क्या, अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जाते हो और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में आपकी टिकट ही आपका इनवॉइस माना जाएगा, आगे मैं प्रोविज़न में बता दूंगा, स्पेशल प्रोविज़न में आगे करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखते हो तो रूल 54 में भी किया है, मैं आपको बताऊंगा. पर अभी आप यहाँ देखिएगा, अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जाते हो और वो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में यहाँ टिकट ही आपका इनवॉइस माना जाता है, और वो टिकट का अमाउंट अगर 200 रुपये से कम भी होगा तो भी आपको टिकट इशू करनी पड़ेगी, इवन दो ट्रांजेक्शन इज़ B2C ट्रांजेक्शन. दिस अमेंडमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ क्वेश्चन में ये अमेंडमेंट पे सवाल पूछ सकते हैं. एक बार फिर से, ओके, यहाँ अगर
मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में अगर आप सिनेमा देखने जा रहे हो और अमाउंट क्यों ना 200 से कम हो, आई रिपीट, अमाउंट क्यों ना 200 से कम हो, लेकिन वो केस में टिकट इशू करनी पड़ेगी। और टिकट ही, आगे रूल 54 में मैं बताऊंगा, टिकट ही आपका इनवॉइस माना जाएगा। आर यू गेटिंग मी, यस और नो? चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू एक छोटी सी अमेंडमेंट। बाकी क्यूआर कोड के केस में तो हमने देख लिया था क्यूआर कोड होना ज़रूरी है, ये तो दोनों के लिए आ गया बेटा। बिल ऑफ सप्लाई के केस में भी अगर आपका बिल ऑफ सप्लाई होगा तो वो केस में भी क्यूआर कोड होना ज़रूरी है, जो नीचे वाली जो लाइन है। ओके, ये नीचे वाली लाइन क्यूआर कोड की ये एक रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो छोटी सी अमेंडमेंट थी इंद्र, ओके, सेक्शन 31 में। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो रूल 54 में एक छोटी सी और अमेंडमेंट हुई है। रूल 54 में क्या अमेंडमेंट हुई है, जैसे अगर आप रूल 54 पढ़ते हो तो रूल 54 में बेटा ऑलरेडी हमने ये नोट्स में देखा है क्या कि कुछ स्पेशल केसेस में आपको जो इनवॉइस की रूल 46 के तहत इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, लाइक बैंकिंग सेक्टर है तो सीरियल नंबर या एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ये नहीं भी दिया तो चलता है, हमने ये देखा ऑलरेडी, ठीक है। अब बेटा यहाँ कुछ स्पेशल केस में इनवॉइस थोड़े बहुत चेंज भी किए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल होगी, तो ये रूल 54 में उन्होंने स्पेशल केसेस कवर किए। जैसे जीटीए में आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके कंसाइनमेंट नोट में देनी पड़ेगी। उसके बाद में पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में टिकट ही इनवॉइस माना जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये हमने देखा, लेकिन यहाँ एक न्यू एंट्री ऐड हुई है। और वो न्यू एंट्री क्या ऐड हुई है, एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। ओके, तो अभी अभी मैंने कहा कि अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जाते हो तो ऐसे केस में आपकी इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा और उसमें रिसिपियन डिटेल्स नहीं भी होगा तो भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स ही आपका टैक्स इनवॉइस मांगा जाएगा और बाकी अदर रूल 46 का आपको इन्फॉर्मेशन उसमें देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट सप्लायर ऑफ सर्विस इज इन अ स्क्रीन अदर देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में एट इज ऑप्शन फॉलो द अबव प्रोसीजर। हाँ, अब ध्यान पे सुनिएगा, ये जो रिक्वायरमेंट आई है, अभी हमने मल्टीप्लेक्स स्क्रीन से रिलेटेड दो रिक्वायरमेंट देखी। पहले तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक टिकट ही इनवॉइस मान ली जाएगी, उसमें रिसिपियंट का नाम नहीं भी दिया तो भी चलेगा, आई रिपीट, रिसिपियंट का नाम नहीं भी दिया तो भी चलेगा, पर बाकी रूल 46 की अदर इन्फॉर्मेशन वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट में होना जरूरी है। यानी जो नॉर्मली टैक्स इनवॉइस में इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ रूल 46। हाँ, पर एक बात उन्होंने नीचे लिखी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नीचे दी है। कौन सी बात उन्होंने लिखी है कि ये जो प्रोसीजर है, ओके, ई टिकट ही इनवॉइस माना जाएगा, रिसिपियन का एड्रेस नहीं दिया तो भी चलेगा और रूल 46 की जो इन्फॉर्मेशन वो पूरी देनी पड़ेगी, ये सिर्फ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए ही लागू है। आई रिपीट, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए ही लागू है। अदर जो नॉर्मल स्क्रीन में सिनेमा दिखा रहे हैं, नॉर्मल स्क्रीन वाले वो ऑप्शनल, अगर वो चाहे, आई रिपीट, ऑप्शनल मतलब वो चाहे तो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोसीजर वो केस में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जाओगे तो आपको जो ई टिकट आती है ऑनलाइन बुक करोगे वही इनवॉइस मान लिया जाएगा, ओके, और उसमें सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पर ओनली इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन एंड नॉट फॉर अदर्स। इसलिए इसके पहले वाले जो हमने अमेंडमेंट देखा 200 रुपये से नीचे, वो भी सिर्फ मल्टीप्लेक्स को अप्लीकेबल है। अगर आप नॉर्मल स्क्रीन में सिनेमा देखने जाते हो तो वो सिचुएशन में अमाउंट 200 से कम होगा तो शायद वहाँ पे, ओके, हो सकता है कि इनवॉइस नहीं भी दिया तो चलेगा, ओके, पर देते ही है, टिकट्स मिलती ही है। पर ओके, जो एक्सेप्शन आया है 200 रुपीज़ के क्राइटेरिया में, वो एक्सेप्शंस ओनली फॉर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए आया है, ओके, अदर स्क्रीन के लिए नहीं है। इसका मतलब, ओके, 200 रुपये से कम वाला वैल्यू होगा तो नॉर्मल स्क्रीन में अगर इन्वॉइस नहीं भी दिया तो चलेगा एज पर लॉ, वो बात अलग है कि वो केस में टिकट देते ही है, पर इन्वॉइस नहीं भी दिया तो चलेगा।
लेकिन मल्टीप्ले स्क्रीन होगा और अमाउंट 200 से कम होगा तो इनवॉइस देना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे कुछ छोटी सी अमेंडमेंट्स इन द टॉपिक ऑफ इनवॉइस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है रिफंड, इसकी छोटी सी अमेंडमेंट हुई है पर वो प्रोसीजर आपको समझना ज़रूरी है कि क्या अमेंडमेंट्स हुई है ये चैप्टर में। सो रिफंड ये चैप्टर में, यहाँ पे आपके पास अगर मेरी नोट्स होगी तो मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ लिया है कौन से क्वेश्चन नंबर में अमेंडमेंट हुई है और कौन सी छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर के साथ थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन नंबर हमारे नोट्स में है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इन द चैप्टर ऑफ रिफंड। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि स्पेसिफाई द केसेस वेयर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट अप्लीकेबल। ऐसी कौन कौन सी केसेस है जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट अप्लीकेबल, या केसेस वेयर रिफंड डायरेक्टली पेएबल टू द अप्लीकेंट, या अमाउंट नॉट ट्रांसफरेबल टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड अकाउंट। नाउ ऐसी कौन कौन सी केसेस है जहाँ डायरेक्ट रिफंड मिलता है, जहाँ अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर नहीं होता है, या फिर वहाँ ऑफिसर आपको बिल्कुल ये नहीं पूछेगा कि ये बताइए कि आपने बर्डन पास ऑन किया है कि नहीं किएगा, आपको डायरेक्ट रिफंड आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। इसमें अमेंडमेंट क्या हुई है थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अमेंडमेंट बेटा इसमें ये हुई है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको एक्सपोर्ट के केस में अगर आपको याद होगा, और आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो आउटसाइड इंडिया, या सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो आउटसाइड इंडिया, तो ज़ीरो रेट सेक्शन 16 ज़ीरो रेट ये कहता है, कुछ याद आ रहा है आपको? ज़ीरो रेट ये कहता है बेटा कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, आई रिपीट, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको दो स्कीम है, एक विद बॉन्ड एंड सेकेंड विदाउट बॉन्ड। विदाउट बॉन्ड, अगर आप विद बॉन्ड में होगा तो नो नीड टू पे टैक्स, यानी एक्सपोर्ट अलाउड, एक्सपोर्ट इज अलाउड, इज अलाउड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और विदाउट बॉन्ड होगा तो फर्स्ट पे IGST, आपको IGST देना पड़ेगा, एंड देन क्लेम रिफंड, क्लेम देन क्लेम रिफंड। तो नाउ पहले उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स, तो रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज, वहाँ से वो जीरो रेटेड सप्लाईज निकाल के उन्होंने वर्ड यूज़ किया है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पहले जीरो रेटेड सप्लाई वर्ड यूज़ किया था, ओके, ये जीरो रेटेड सप्लाई है, वो जीरो रेटेड सप्लाई है सेक्शन 16 में, वो जीरो रेट में ही आता है, लेकिन रिफंड चैप्टर में उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट्स। ओके, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और उस पर अगर आप टैक्स दे रहे हो तो नाउ उसका ये IGST का रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। तो एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई, और वो अमेंडमेंट ये कि जीरो रेट सप्लाई निकाल कर उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि टैक्स विच इज़ पेड ऑन एक्सपोर्ट, यानी जिसके ऊपर आपने IGST दिया हुआ है और उसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आपको यहाँ IGST जो आपने दिया उसका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा पहला वाला केस कि टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ओके, और इनपुट और इनपुट सर्विस यूज इन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई। दूसरा, एक्सेस ITC ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। सेकंड केस में बेटा, मतलब अमेंडमेंट तो बहुत छोटी सी है कि जस्ट एक वर्ड ऐड किया, ओके, जीरो रेट निकाल के टैक्स जो है आपने एक्सपोर्ट पे दिया। और दूसरा वाला, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट, ओके, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब देखो, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने यहाँ पे जो इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का आपको ITC का रिफंड मिलता है, ये ITC का रिफंड जो आपको दिया गया है बेटा, तो उन्होंने जब ITC का रिफंड क्लेम कर रहे हो, देखो एक्सपोर्ट में दो रिफंड मिलते हैं, एक ITC का रिफंड मिलता है अगर आपने
वो इंपुट्स और इनपुट सर्विसेज ऐसे एक्सपोर्ट में यूज किया जो एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड है, जो एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड है, तो आपने आउटपुट पे टैक्स नहीं दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपने आउटपुट पे टैक्स नहीं दिया तो आपके जो आईटीसी बचे हुए हैं वो आईटीसी के रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। आर यू गेटिंग मी? तो जब आपको आईटीसी का रिफंड क्लेम करना है तो उसमें उन्होंने जीरो रेट वर्ड कंटिन्यू किया हुआ है। जब आईटीसी का रिफंड क्लेम करना है तो उसमें उन्होंने जीरो रेट वर्ड कंटिन्यू किया है, लेकिन जब आपको आउटपुट का, आई रिपीट, जब आपको आउटपुट का रिफंड क्लेम करना है जिसके ऊपर आपने विदाउट बॉन्ड आईजीएसटी दिया है, तो जब आप आउटपुट का रिफंड क्लेम करोगे विदाउट बॉन्ड आईजीएसटी, तो वहाँ जीरो रेट नहीं, वहाँ डायरेक्ट वर्ड यूज़ किया है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये अमेंडमेंट का इतना इम्पैक्ट नहीं है, जैसे क्लैरिफिकेशन है। तो ये छोटी सी अमेंडमेंट रिफंड चैप्टर में हुई कि इन्होंने ओके जो आईजीएसटी वाला रिफंड है आउटपुट का, वहाँ जीरो रेट वर्ड निकाल के टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ओके ये वर्ड यूज़ किया है। आर यू गेटिंग मी? नाउ नेक्स्ट, एक छोटी सी अमेंडमेंट, बाकी तो केसेस हमने रिफंड चैप्टर में लिया था कि कौन कौन से केस में आप टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में सेक्शन 50 54(8) के नीचे एक नया सेक्शन ऐड किया, और वो सेक्शन 54(8)(a) ओके नया सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 54(8)(a) द गवर्नमेंट में डिसबर्स द रिफंड ऑफ स्टेट टैक्स इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये अमेंडमेंट का इम्पैक्ट क्या है थोड़ा मैं समझा देता हूँ, और अब मैं जो प्रोसेस आपको समझाने जा रहा हूँ वो प्रोसेस में आने वाली नेक्स्ट अमेंडमेंट भी कवर हो जाएगी। तो नेक्स्ट सभी अमेंडमेंट्स जो है वो इसमें कवर हो जाएगा। देखिए पहले पूरी प्रोसेस से और फिर फटाफट प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ। देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रिफंड क्लेम, आपका रिफंड बनता है और आपको रिफंड आ रहा है, तो आपको एप्लीकेशन, स्टेप नंबर वन, आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, और वो एप्लीकेशन आपका जाता है रिफंड एप्लीकेशन इन RFD 01। आपका रिफंड एप्लीकेशन जाता है इन RFD 01। उसके बाद में RFD 02 में आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाती है ओके आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि हाँ आपका एप्लीकेशन जो है वो आपने फाइल कर दिया है, उसकी कॉमन पोर्टल से आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। ध्यान से सुनना अब मेरी प्रोसीजर क्या है। अब ये RFD 02 से आपको एक्नॉलेजमेंट आने के बाद आपका चालू होता है वेरिफिकेशन, आपका चालू होता है वेरिफिकेशन, ठीक है ना। और फिर RFD 03 अगर कुछ डेफिशिएंसी होगा वेरिफिकेशन के दौरान, ये पता चलता है कि कुछ डेफिशिएंसी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो वो डेफिशिएंसी मेमो जो है आपको दे दिया जाता है। ये फॉर्म वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट को डेफिशिएंसी मेमो दिया जाता है ओके समझ लो, जिसने भी एप्लीकेशन फाइल किया है, जो भी एप्लीकेंट होगा वो एप्लीकेंट को डेफिशिएंसी मेमो दे दिया जाता है वेरिफिकेशन के दौरान। जब उसका वेरिफिकेशन हो गया और वेरिफिकेशन में RFD 03 में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो डेफिशिएंसी मेमो उसको दे दिया जाता है ना। अब बेटा नॉर्मल जो है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है RFD 06 में आपका रिफंड ऑर्डर सैंक्शन, रिफंड सैंक्शन और रिजेक्शन ऑर्डर, सैंक्शन और रिजेक्शन ऑर्डर, रिजेक्शन ऑर्डर आता है, सैंक्शन और रिजेक्शन ऑर्डर। पर इस दौरान एक और फॉर्म है, वह है नॉ प्रोविजनल रिफंड। जब आपका वेरिफिकेशन चालू है और प्रोविजनल रिफंड जो है, ये प्रोविजनल रिफंड आपको स्पेशली आईटीसी, अनयूटिलाइज आईटीसी फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, ये प्रोविजनल रिफंड एक ही केस में मिलता है, अनयूटिलाइज आईटीसी, अनयूटिलाइज आईटीसी ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। आपको फॉर्मूला याद आ रहा है ओके, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। तो आपका जो आईटीसी यूटिलाइज नहीं हुआ, तो एक्सपोर्ट के रेशियो में जो आपका आईटीसी आ रहा है उसका आपको प्रोविजनल रिफंड 90% जो मैं आपको बताऊंगा, वो प्रोविजनल रिफंड जो है आपको मिल जाता है, और उसकी ऑर्डर, प्रोविजनल रिफंड के ऑर्डर आरएफडी जीरो
RFD 04 में आ जाती है, RFD 04 में, नॉर्मल ऑर्डर RFD 06 में, लेकिन प्रोविजनल रिफंड की ऑर्डर जो है स्पेशली जीरो रेट सप्लाई के केस में, आई रिपीट स्पेशली जीरो रेट सप्लाई के केस में, जहां ITC का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC, तो उसका प्रोविजनली आपको 90% रिफंड, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, वो 90% रिफंड आपको RFD 04 में ऑर्डर में दे दिया जाता है। ये समझ में आया? ओके सर, ये फॉर्म याद करना है क्या? नहीं, जस्ट एक फ्लो बता रहा हूँ। ओके, याद रहे तो ठीक, नहीं तो एक जस्ट फ्लो बता रहा हूँ। तो RFD 04 फॉर्म में आपको वो दे दिया जाता है, और नॉर्मल सैंक्शन और रिजेक्शन ऑर्डर जो है, ओके, ये नॉर्मल सैंक्शन और रिजेक्शन ऑर्डर जो है, यहाँ आपकी जो है RFD 06 में आती है। चलो, अगर आपका रिफंड सैंक्शन हो गया, सुनिएगा, आपका रिफंड सैंक्शन कर दिया गया, तो फिर यहाँ से पेमेंट एडवाइस या ऑर्डर कहो, यहाँ पे यहाँ से नाउ प्रॉपर ऑफिसर, RFD 05 में पेमेंट, पहले वर्ड ऑर्डर था, अब उन्होंने पहले वर्ड एडवाइस था, अब पेमेंट ऑर्डर वर्ड डाल दिया है, या एडवाइस कहो आप, पेमेंट ऑर्डर, अब वर्ड नया वर्ड पेमेंट ऑर्डर आ गया है। तो नाउ फिर अगर ऑफिसर रिफंड सैंक्शन कर देता है RFD 06 में, सो ऐसे केस में वो पेमेंट ऑर्डर या एडवाइस, ये एक वेबसाइट पे, कॉमन गवर्नमेंट पोर्टल पे, और गवर्नमेंट पोर्टल का नाम है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS। ओके, तो PFMS, ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, ओके, जहाँ पे जितने भी एक्ट में रिफंड आते हैं, जो टैक्स रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पोर्टल मेंटेन होता है, और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये जो पोर्टल मेंटेन होता है, आप वेबसाइट में सर्च कर सकते हो PFMS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओके, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिलेटेड लॉ है, और जहाँ रिफंड ग्रांट करना है, तो ये पोर्टल पे ऑर्डर भेजनी पड़ती है, एडवाइस देनी पड़ती है। ओके, पहले एडवाइस वर्ड था, अब ऑर्डर वर्ड आया है, तो प्रॉपर ऑफिसर ये पोर्टल पे जाकर ओके यहाँ पे ऑर्डर इशू कर देगा कि उसको यहाँ रिफंड ग्रांट कर दो। और सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, फिर ये पोर्टल से अमाउंट डिसबर्स कर दे दिए, डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड, डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड इन बैंक अकाउंट ऑफ अप्लीकेंट। ठीक है, एक बार पूरी प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस कैसी है? सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा RFD 01 में, RFD 02 में एप्लीकेशन आपने सबमिट किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, आपका वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा, उसमें कुछ डेफिशिएंसी मेमो होगा तो वो सिचुएशन में आपको दे दिया जाएगा। ओके, एक केस में आपको, मतलब आपका वेरिफिकेशन पूरी प्रोसेस चलती रहेगी, ओके, वेरिफिकेशन प्रोसेस चलती रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल किया, आपको इमीडिएटली प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, वो है जीरो रेटेड सप्लाई का अनयूटिलाइज ITC, उसमें ओके वेरिफिकेशन प्रोसेस, अभी RFD 06 की जो है ओके वो ऑर्डर सैंक्शन होना बाकी है, पर वेरिफिकेशन प्रोसेस के स्टार्ट होते ही आपको प्रोविजनल बेसिस पे 90% का रिफंड दे दिया जाएगा, सिर्फ 10% रोका जाएगा आपका रिफंड, मेरी बात सुन रहे हो आपको, तो 10% का रिफंड आपका रोका जाएगा, बाकी आपको रिफंड ग्रांट कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, यहाँ देखिएगा, वो प्रोविजनल ऑर्डर RFD 04 में आएगी। हाँ, ये प्रोविजनल ऑर्डर जो RFD 04 में आएगी, इसका भी जो पेमेंट ऑर्डर है RFD 05 में जाएगा, मतलब नो डाउट ऑफिसर जो प्रोविजनल 90% रिफंंड ग्रांट करना है, ओके, वो RFD 05 में ये ऑर्डर, जहाँ तक है एडवाइस जो है, या PFMS पे, यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे, ओके, वो ऑर्डर या एडवाइस अपलोड कर देगा, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसको डिसबर्स कर देगी। नाउ सेकेंड, नॉर्मल रिफंड होगा तो RFD 06, अगर रिफंड सैंक्शन हो जाता है तो उसका जो पेमेंट ऑर्डर है, पेमेंट ऑर्डर या ऑफिसर PFMS पे RFD 05 में देता है। और नाउ
नॉर्मली जो भी पेमेंट ऑर्डर आई है आरएफडी 05 के तहत, आई रिपीट, जो भी पेमेंट ऑर्डर आई है आरएफडी 05 के तहत, ये कि यहाँ पे 31 मार्च, कम ऑन, आई रिपीट, 31 मार्च 2020 के पहले, यानी कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को जो कंप्लीट हुआ उसके पहले वो ओके अमाउंट डिसबर्स हो जाना चाहिए, नॉर्मली वैसा होना चाहिए अगर इस साल की पेमेंट ऑर्डर है तो। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे सिचुएशन में ये पूरी रिफंड की प्रोसेस फॉलो होती है और ये प्रोसेस दिया गया है। ये PFMS आपके लिए नया है, पर जस्ट आपके जानकारी में रहने दो, एग्जाम में ऐसे कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल होता है जहाँ सभी ऑफिसर्स को जो भी रेवेन्यू रिलेटेड लॉ है उनको जब भी रिफंड वगैरह ग्रांट करने पड़ते हैं तो नाउ यहाँ पे PFMS पे पंच करना पड़ता है और वो जो है RFD 05 के तहत ओके वो ऑर्डर या एडवाइस देनी पड़ती है। नाउ अब क्या होता था, समझ लो आपका 3 रिफंड हो सकते हैं, एक CGST SGST, या मतलब CGST SGST UTGST और IGST। IGST का रिफंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ग्रांट करेगी। लेकिन अगर आपका रिफंड, सुनिए ध्यान से, अगर आपका रिफंड CGST का है और SGST का है, आई रिपीट, आपका रिफंड CGST का है और SGST का है, तो क्या होता था कि आप कॉमन पोर्टल पे जब एप्लीकेशन फाइल करते थे तो रिफंड दोनों का होता था। कौन से दोनों का होता था? CGST का भी रिफंड होता था और SGST का भी रिफंड होता था। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती थी कि जब यहाँ से ऑफिसर ने, अब समझ लो आपका रिफंड का केस स्टेट ऑफिसर हैंडल कर रहा है या सेंट्रल ऑफिसर हैंडल कर रहा है, दोनों में से कोई भी हैंडल कर सकता है। तो लेट्स अज्यूम दैट अगर आपका रिफंड एप्लीकेशन जो है वो सेंट्रल ऑफिसर हैंडल कर रहा है, CGST एक्ट का ऑफिसर हैंडल कर रहा है, और उसने रिफंड सैंक्शन कर दिया। रिफंड सैंक्शन होने के बाद CGST का रिफंड, आई रिपीट, CGST का रिफंड जो है ओके, इसका RFD 05 में एडवाइस तो चले जाता था और SGST का स्टेट के पास जाता था। पहले ध्यान से सुनना, पहले स्टेट के पास जाता था और स्टेट गवर्नमेंट SGST का रिफंड ग्रांट करती थी। पहले प्रोसेस पहले ऐसा था कि CGST का रिफंड ओके PFMS पे जाता था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाता था और CGST का रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता था और स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस ओके चले जाती थी कि भाई ये बंदे को रिफंड ग्रांट करो। लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो परेशान करते थे कि भाई ये तो एडवाइस जो है, एडवाइस आई है, हम भी चेक करेंगे यहाँ पे आपका रिफंड कि आपको रिफंड उतना मिलना चाहिए क्या, और स्टेट गवर्नमेंट से रिफंड आने में यहाँ पे देरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट के पास गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको चेक करेगा, फिर उसको देखेगा, फिर आपको रिफंड देगा। तो इससे क्या होता था कि इंडस्ट्री परेशान हो जाती थी। इंडस्ट्री क्या परेशान होती थी कि यार रिफंड हमने तो टैक्स दोनों दिया था, दोनों मतलब CGST और SGST दोनों टैक्स दिए थे, लेकिन CGST का तो मिल गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ऑफिसर ने वो सैंक्शन किया है, पर जब सेंट्रल ऑफिसर सैंक्शन कर रहा है तो वो दोनों सैंक्शन कर रहा है, CGST और SGST, और दोनों का पेमेंट एडवाइस भेज रहा है कि भाई इस बंदे को पेमेंट कर दो RFD 05 में। लेकिन ओके यहाँ पे CGST का तो प्रोसेस हो जाता था लेकिन SGST का प्रोसेस होने को टाइम लगता था। आप मेरी बात समझ में आ रही? समझ रहे हो ना आप मेरी बात? ओके तो SGST का प्रोसेस होने को टाइम लगता था। तो ऐसे सिचुएशन में ओके यहाँ बहुत सी इंडस्ट्री की कंप्लेंट थी कि ओके हमें कभी CGST के रिफंड आ जाते हैं, SGST के लिए हमें परेशानी जाती है, या SGST के रिफंड आ जाते हैं, CGST के लिए हमें परेशानी जाती है। तो गवर्नमेंट ने इस बार बहुत अच्छी बात की, गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो यार ये स्टेट वालों के पास भेजो ही मत, ओके जब भी रिफंड सैंक्शन होगा स्टेट वालों के साथ पास एडवाइस भेजो ही मत, पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड एडवाइस, आई रिपीट, आई यूज द वर्ड कंसोलिडेटेड एडवाइस, या ऑर्डर कंसोलिडेटेड ऑर्डर या एडवाइस, ये जो है कंसोलिडेटेड ऑर्डर CGST का और SGST का ओके दोनों भी PFMS पे ही जाएगा। यानी आप पहले क्या होता था, सेंट्रल का PFMS पे जाता था और स्टेट का अलग जाता था, लेकिन अब दोनों भी PFMS के पास जाएगा ओके और सेंट्रल गवर्नमेंट PFMS के थ्रू ओके यहाँ स्टेट टैक्स का भी रिफंड डिसबर्स कर देगी। ये अमेंडमेंट हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट अब ओके यहाँ पे स्टेट टैक्स का जो रिफंड है वो भी डिसबर्स कर देगी। वो बात अलग है कि बाद में वो स्टेट से काट लेगी उतना पैसा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसबर्स कर देगी। तो बेटा ये अमेंडमेंट हुई ओके सेक्शन 54(8)(a) में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसबर्स द रिफंड ऑफ स्टेट टैक्स
इन सच ए मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ ओके स्टेट टैक्स का भी रिफंड डिसबर्स कर सकती है। इससे फ़ायदा क्या हुआ बेटा, हमारे जैसे लोगों को फ़ायदा ये हो गया कि अब SGST का एडवाइस स्टेट के पास नहीं जाएगा, पूरा एक जगह से रिफंड डिसबर्स कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा रिफंड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसबर्स करेगी। आई बात समझ में आपको? आई रिपीट, पूरा का पूरा रिफंड ये कौन डिसबर्स करेगी बेटा? स्टेट गवर्नमेंट डिसबर्स करेगी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसबर्स करेगी, अगर ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रहा होगा तो। आर यू गेटिंग मी? सो ये था रिगार्डिंग टू ओके यहाँ पे डिसबर्समेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट टैक्स। और ये कंसोलिडेटेड ऑर्डर जो मैंने आपको कहा, ये कंसोलिडेटेड ऑर्डर जो है इसकी भी अमेंडमेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 10 था ओके प्रोविजनल ऑर्डर। अब प्रोविजनल ऑर्डर देखो, बाकी सब लोगों को रिफंड जो है, प्रोविजनल ऑर्डर का इंपॉर्टेंस समझ लो, बाकी सब लोगों को रिफंड RFD 06 में सैंक्शन होने के बाद ही आएगा। जब तक आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, मे बी एक महीना लगे, दो महीना लगे, तीन महीना लगे, बट पूरा आपका वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा, फिर RFD 06 में सैंक्शन होगा और फिर आपको आपका रिफंड आएगा। लेकिन एक केस में गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करते रहेगी बाद में, लेकिन जैसे आपने एप्लीकेशन दिया आपको इमीडिएट रिफंड ग्रांट कर दिया जाएगा। तो देखो वो है यहाँ पे प्रोविजनल रिफंड, क्लेम ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ ज्यूरेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो आपका रिफंड अगर ज्यूरेटेड सप्लाई का होगा, आई रिपीट, ज्यूरेटेड सप्लाई मतलब अनयूटिलाइज ITC का होगा, आई रिपीट अनयूटिलाइज ITC का रिफंड होगा, तो आपको रिफंड प्रोविजनल बेसिस पे 90% आपको इमीडिएट दे दिया जाएगा, 90% रिफंड दे दिए। तो एक ही केस में आपको रिफंड इमीडिएट 90% आपने अप्लाई किया और अप्लाई करते ही आपको ओके 90% रिफंड दे दिया जाएगा। वेरिफिकेशन बाद में होगा, 10% रिफंड रोका जाएगा, ओके वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पूरा रिफंड आपको प्रोसेस कर लिया जाएगा। उसकी प्रोसीजर भी यहाँ रूल में दिए, रूल 91 में कंडीशंस वगैरह यहाँ पे सब दिया है उन्होंने। लेकिन उसमें एक कंडीशन जरूर याद रखना, वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड एक्सीड्स 2.5 करोड़, यानी आपने कभी पुराना टैक्स इवेजन किया होगा पिछले 5 साल में और वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा किया होगा तो फिर आपको प्रोविजनल रिफंड भी ग्रांट नहीं करेंगे। और आपका प्रोविजनल रिफंड 90% 7 दिनों के अंदर, जैसे आपको RFD 02 में ऑर्डर आई तो RFD 02 में एक्नॉलेजमेंट हुआ, वो एक्नॉलेजमेंट के 7 दिन के अंदर आपको रिफंड दे दिया जाएगा 90% जीरो रेट सप्लाई के केस में, ठीक है। हाँ अब ये वाला पॉइंट थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ये रिवैलिडेशन वाले पॉइंट्स क्या है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ पेमेंट एडवाइस। अब उन्होंने पेमेंट एडवाइस की जगह पेमेंट ऑर्डर आया है, आपको याद आ रहा है RFD 05 आपका रिफंड सैंक्शन हो गया। सैंक्शन होने के बाद RFD 05 में पहले पेमेंट एडवाइस जाती थी, अब एडवाइस के जगह ऑर्डर जाती है सीधा सीधा ओके ऑफ अमाउंट सैंक्शन एंड सेम शैल बी इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिटेड टू एनी बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट्स मेंशन इन हिज रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स एंड स्पेसिफाई इन द एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस। मतलब ये कंसोलिडेटेड मतलब क्या बेटा, कंसोलिडेटेड का मतलब यहाँ पे आपका कंबाइन CGST और SGST दोनों का मिलाकर रिफंड ऑर्डर जाएगा, एडवाइस जाएगा ओके। तो यहाँ इवन दो एडवाइस वर्ड यूज़ कर रहे हैं पर मैं आपको इतना ही कहूँगा ओके, कहीं पे उन्होंने एडवाइस निकाल के ऑर्डर यूज़ किया है लेकिन कंसोलिडेटेड जो है उसके लिए एडवाइस ही वर्ड रखा हुआ है, वो ऑर्डर कहो या एडवाइस कहो। तो जैसे आपका रिफंड सैंक्शन हो जाता है, लेकिन प्रोविजनल के केस में आपका RFD 04 में सैंक्शन होता है, तो प्रोविजनल के केस में आपका RFD 04 में सैंक्शन होगा। देखिए RFD 04 में सैंक्शन होगा, ये RFD 04 की ऑर्डर जो है ओके
इसका पेमेंट ऑर्डर या एडवाइस जो है RFD 05 में PFMS पे तरफ ऑफिसर के पास जाएगा और PFMS के ऑफिसर जो है आगे वो रिफंड डिसबर्स करेंगे और ये कंसोलिडेटेड जाएगा। कंसोलिडेटेड मतलब दोनों का जाएगा, CGST और SGST का, दोनों का प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर और के PCMS पे दिया जा PFMS पे दिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे ये तरीका बेटा रिगार्डिंग टू कंसोलिडेटेड आपको एडवाइस दे दिया जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिसबर्स द रिफंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड एडवाइस। सो अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों का रिफंड प्रोसेस कर देगी, CGST एज वेल एज क्या बेटा SGST। तो CGST एज वेल एज SGST दोनों का यह रिफंड प्रोसेस कर देगी ना। अब मैं थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट और लेना चाहता हूँ, ये वाला, प्रोवाइडेड दैट पेमेंट ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ RFD 05 शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रिवैलिडेट वेयर रिफंड हैज नॉट बीन डिसबर्स विद इन द सेम फिनेंशियल ईयर इन विच सेड पेमेंट ऑर्डर वॉज इश्यू। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये अमेंडमेंट क्या है। अब समझ लो क्या हुआ कि ये जो पेमेंट ऑर्डर गई, समझ लेना, ये जो पेमेंट ऑर्डर या एडवाइस गया ये 5 मार्च को गया, 5 मार्च को यहाँ पे ओके पेमेंट ऑर्डर का एडवाइस गया ऑफिसर से। स्पेशली हम प्रोविजनल का देख लेते हैं, प्रोविजनल का RFD 04 का प्रोविजनल ऑर्डर था, 90% रिफंड का ऑर्डर दे दिया गया और ये 90% रिफंड ऑर्डर स्पेशली जीरो रेट सप्लाई के केस में दे दिया गया। और ये ऑर्डर जो दिया गया 90% रिफंड का बेटा, जस्ट अ मिनट, ये जो ऑर्डर दे दिया गया 90% रिफंड का ओके, ये 5 मार्च को ऑफिसर ने PFMS पे ओके 5 मार्च को PFMS पे यहाँ पे ऑर्डर ऐड कर दिया कि भाई इसको पैसा दे दो, ठीक है। अब अगर ये फिनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक, सुनिएगा, फिनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक ये डिसबर्स नहीं हुआ, अज्यूम करो कि 31 मार्च तक ये डिसबर्स नहीं हुआ, ठीक है। अब गवर्नमेंट का अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो जाता है और ये जो एडवाइस थी, ऑर्डर थी RFD 05 की, ये पेंडिंग पड़ी हुई थी और 31 मार्च तक गवर्नमेंट के अकाउंट से एप्लीकेंट्स के अकाउंट में पैसा नहीं गया। तो फिर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, क्या नया सवाल खड़ा हो जाता है, नया सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि नाउ ये जो है यहाँ क्या ये जो एडवाइस से रीवैलिडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म हुआ, क्योंकि ये लास्ट ईयर की ऑर्डर है और लास्ट ईयर की ऑर्डर यहाँ से प्रोसेस नहीं हुई, PFMS से प्रोसेस नहीं हुई, तो क्या ये ऑर्डर रीवैलिडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये अगले साल का पेमेंट जाएगा, तो क्या ये ऑर्डर RFD 05 रिवैलिडेट करनी पड़ेगी। और अब बेटा दो ऑर्डर थी, एक कि सैंक्शन कर दिया ना, ये जो RFD 04 है ये प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन कर दिया, और RFD 05 ऑर्डर दिया गया कि पे कर दो। दो ऑर्डर होती है, एक सैंक्शन कर दिया गया और एक जो है पेमेंट का ऑर्डर या पेमेंट का एडवाइस भेजा गया। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे क्या ये दोनों ऑर्डर RFD 04 और RFD 05 क्या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रीवैलिडेट करनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर जो थी ये दोनों ऑर्डर लास्ट ईयर की थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर पेमेंट नहीं हुआ। अगर 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर पेमेंट नहीं होता है तो क्या दोनों ऑर्डर फिर से बनानी पड़ेगी, फिर से देनी पड़ेगी? तो देखो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं यहाँ पे अगर आप देखते हो तो RFD 04 जो आपको सैंक्शनिंग ऑर्डर है 90%, RFD 04 शैल नॉट रिक्वायर्ड टू बी रीवैलिडेट। मतलब RFD 04 जो क्यों ना लास्ट ईयर में दी गई होगी पर वो कंटिन्यू रहेगी, उसको फिर से ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका रिफंड जो सैंक्शन हो गया वो फाइनल रहेगा, आई रिपीट, आपका रिफंड जो सैंक्शन हो गया वो फाइनल रहेगा, उसको रीवैलिडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? नाउ नेक्स्ट, लेकिन RFD 05 यानी जो पेमेंट ऑर्डर थी, पेमेंट एडवाइस थी, रिक्वायर्ड टू रीवैलिडेट, ओके, हाँ, RFD 05 ऑफिसर को वापस भेजनी पड़ेगी अगले साल कि भाई पिछले साल नहीं हुआ, तो RFD 05 जो है
वो ऑर्डर जो है उसको अगले साल वापस भेजनी पड़ेगी, रिवैलिडेट करने की पड़ेगी कि चलो लास्ट ईयर में ग्रांट नहीं हुआ तो वापस अभी से पेमेंट कर दो, तो वो ऑर्डर उसको रिवैलिडेट करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग मी? तो जो सैंक्शन ऑर्डर है वो फिर से देने की जरूरत नहीं, सैंक्शन हो गया आपका, दैट्स फाइन, RFD 04 में प्रोविजनल वाला। लेकिन RFD 05 रिवैलिडेट करना पड़ेगा, अगले साल फिर से उसको इश्यू करना पड़ेगा। ये था बेटा, ये तो हमने प्रोविजनल रिफंड, बाकी जो ऑर्डर ऑफ रिफंड RFD 06 का है, बाकी केस में RFD 06 जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है और RFD 06 में सैंक्शन नहीं होता है तब तक आपके हाथ में रिफंड नहीं आएगा। तो वो RFD 06 में आपका ऑर्डर आएगा, पेमेंट एडवाइस के जगह ऑर्डर ये RFD 05 में जाएगा। जैसे ही सैंक्शन हो जाता है आपका रिफंड, तो आपका पेमेंट ऑर्डर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे जाएगा RFD 05 में। ये भी कंसोलिडेटेड पेमेंट बेसिस पे जाएगा, मतलब दोनों CGST और SGST दोनों के पेमेंट बेसिस पे जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर इश्यूड अंडर RFD 06 शैल नॉट रिक्वायर टू बी रिवैलिडेट बाय द प्रॉपर ऑफिसर। मतलब क्या, समझ लो हमारा नॉर्मल कोर्स में हो गया, मतलब मेरा RFD 06 का सैंक्शन हुआ, RFD 05 में जो है वो 5 मार्च को पेमेंट ऑर्डर गया, लेकिन वो सेम फिनेंशियल ईयर में प्रोसेस नहीं हुआ बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम PFMS, तो RFD 05 तो रिवैलिडेट करना पड़ेगा, पर RFD 06 जो सैंक्शन ऑर्डर है वो रिवैलिडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैंक्शन ऑर्डर RFD 06 की रिवैलिडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो बात, इस बात को आप? तो उन्होंने RFD 06 का रिवैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन RFD 05 को आपको रिवैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक बार मैं सभी अमेंडमेंट्स जो हैं, और नेक्स्ट पेज पे भी बेटा जहां ऑर्डर होगा, जैसे इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट का भी जो अगर आता है तो एडवाइस दिया जाता है, एडवाइस के जगह ऑर्डर, बस इतना ही चेंज हुआ है। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो उसका भी इंटरेस्ट का ऑफिसर ऑर्डर भेजता है, तो पहले एडवाइस था, अब उसके जगह क्या वर्ड आ गया, ऑर्डर। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं। तो मेन चेंजेस मैं बता देता हूँ आपको, पहला सुनिए ध्यान से मैं कंक्लूड करता हूँ। पहली बात बेटा यहाँ पे, ओके, दो ऑर्डर्स होती है, एक आपका सैंक्शनिंग ऑर्डर और दूसरा आपका पेमेंट ऑर्डर। तो आपका ऑफिसर सैंक्शन करता है और बाद में पेमेंट ऑर्डर भेजता है PFMS को, जो अकॉर्डिंगली पैसा डिसबर्स कर देती है, ठीक है। तो अब इसमें दो ऑर्डर, इसमें एक प्रोविजनल वाला कंसेप्ट है, प्रोविजनल RFD 04 में जाता है। प्रोविजनल जो RFD 04 में जाता है बेटा, तो वो केस में वो एक ही केस में जीरो रेट सप्लाई के केस में आपको प्रोविजनल ऑर्डर मिलता है, तो वो RFD 04 में जाता है, वहाँ 90% सैंक्शन हो जाता है, फिर RFD 05 से पेमेंट ऑर्डर जाता है, नाउ RFD 06 से सैंक्शन ऑर्डर होता है और RFD 05 से पेमेंट ऑर्डर जाता है। नाउ यहाँ कंसोलिडेटेड ऑर्डर जाएगी, कंसोलिडेटेड मतलब CGST और SGST का, दोनों का पेमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पहले SGST का पेमेंट स्टेट के थ्रू होता था, पर अब स्टेट के थ्रू नहीं होगा, दोनों पेमेंट CGST और SGST सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर टू बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट नंबर टू यहाँ पे जो यहाँ पे अगर 31 मार्च तक PFMS से पेमेंट नहीं हुआ, यानी PFMS के ऑफिसर ने पेमेंट नहीं किया 31 मार्च तक, तो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में आपकी दोनों सैंक्शन ऑर्डर, यानी RFD 04 और RFD 06, ये दोनों सैंक्शन ऑर्डर जो है वो रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिवैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी पेमेंट ऑर्डर गई थी RFD 05 में, उसको रिवैलिडेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये एक चेंजेस हुए हैं, थोड़ा प्रोसीजर से रिलेटेड है, बट हाँ आई होप मैं आपको समझ में आए होंगे, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। डन बेटा, ओके। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर के चेंजेस कवर किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है गवर्नमेंट से, वो डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे अंडर रिफंड चैप्टर, ठीक है। वेल बेटा, रिफंड में एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, जो एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ना है,
थोड़ा ये ध्यान से देखिएगा। चलो पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं और बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो देखिए बेटा, इंडिया का कोई रजिस्टर्ड पर्सन या कोई भी पर्सन अपने गुड्स इंडिया के बाहर ले जाना चाहता है, इंडिया के बाहर ले जाना चाहता है आउटसाइड इंडिया फॉर एग्जीबिशन, समझ लो यहाँ से आप दुबई ले जाना चाहते हो फॉर एग्जीबिशन और फॉर सेल्स प्रमोशन, ओके आप इंडिया के बाहर ले जाना चाहते हो। नाउ बहुत सी इंडस्ट्री का यहाँ पे एक सवाल था, क्योंकि हो क्या रहा था बेटा, जस्ट आप इंडिया के बाहर ले जा रहे हो गुड्स को, सेल नहीं हुआ है अभी तक, वहाँ तो एग्जीबिशन में जाएगा, एग्जीबिशन में जाके फिर वहाँ पे सेल होगा, नहीं तो गुड्स वापस आ जाएगा। लेट्स से कि एग्जांपल आप 1000 क्वांटिटी इंडिया से इंडिया के बाहर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, और एग्जीबिशन में 1000 क्वांटिटी 1000 जाएगी, ठीक है, और ये 1000 क्वांटिटी में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, गुड सेल होगा या नॉट सोल्ड, ओके सेल होगा या नहीं होगा। तो अब यहां बड़ा कंफ्यूजन था इंडस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट में भी, कुछ डिपार्टमेंट कुछ ऑफिसर्स का यह कहना था कि भाई गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है ना, अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है तो इसे हम इंटरस्टेट मान लेंगे, जिस ऑप्शन लिखना कुछ मत, इसे हम इंटरस्टेट मान लेंगे, और अगर हम इसे इंटरस्टेट कर रहे हैं, सुनिए ओपिनियन क्या था, ओपिनियन था कि हम इसे इंटरस्टेट मान लेंगे, और अगर इंटरस्टेट मान रहे हैं क्यों, क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो रहा है आउटसाइड इंडिया जा रहा है, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है आउटसाइड इंडिया जा रहा है और इंटरस्टेट है तो फिर सेक्शन 16 में आपको याद होगा जीरो रेट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कुछ लिखना मत, जीरो रेट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आप IGST पे कर दो एंड क्लेम द रिफंड, आप रिफंड क्लेम करो, दूसरा या फिर आप बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एग्जीक्यूट करो, और बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में आप एक्सपोर्ट करो। अब ये तो पॉइंट ठीक था कि भाई जीरो रेट बोला जाएगा, कुछ ऑफिसर्स या इंडस्ट्री का ये मानना था कि ये जीरो रेट सप्लाई हुआ ही कैसे, पहली बात तो ये इंटरस्टेट भी नहीं है, इंटरस्टेट सप्लाई ही नहीं है, एक वर्ड यूज करूंगा इंटरस्टेट सप्लाई, और ये जीरो रेट सप्लाई भी नहीं है, ये जीरो रेट सप्लाई भी नहीं है, क्यों, एक्चुअली ये सप्लाई ही नहीं है, वे कन्फ्यूजन हो गया क्यों सप्लाई नहीं है, क्योंकि सप्लाई का स्टेटस मिलता है सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 71A में, ये कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, 71A में ये कहा गया कि इफ सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यहां कंसिडरेशन कहां है भाई, ये तो हम एग्जीबिशन को भेज रहे हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं है, एग्जीबिशन में जाएगा सेल होगा नहीं तो वापस आएगा, मैं कस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं GST की बात कर रहा हूं, तो ऐसे कि इसमें कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई कहां से हुआ, और अगर सप्लाई ही नहीं है तो वो तो फिर इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं हुआ, आई रिपीट इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं हुआ, अब इंटरस्टेट ही नहीं हुआ तो जीरो रेट कहां से हुआ, बात समझ में आ रही है आपको, तो इसके ऊपर कोई IGST भी नहीं लगेगा और इसके ऊपर कोई बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ेगी। फिर सवाल आया कि चलो भाई अगर एक सेकंड के लिए मान भी ले कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है, एक सेकंड के लिए मान भी ले या ये जीरो रेट सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या GST के इम्पैक्ट क्या हो गए, तो GST के इम्पैक्ट ऐसे हो गए बेटा, कुछ लोगों का मानना था कि ये सप्लाई जो हो रहा है वो सप्लाई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस,
मतलब हम एग्जीबिशन में देंगे, वहाँ अप्रूव होगा तो ठीक, नहीं तो गुड्स इंडिया वापस आ जाएगा। इसके पहले सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया था, आपको याद होगा, तो सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन ये दिया था कि अगर कोई आर्टिस्ट आर्टिस्टिक वर्क बनाता है, पेंटिंग वगैरह बनाता है और एग्जीबिशन में भेजता है, आपको याद है एक ज्वेलरी वाला था, डोर टू डोर ज्वेलरी सेल हो रही है, और दूसरा आर्टिस्ट का था, अगर वो आर्टिस्ट भेजता है तो वो केस में उसे सेक्शन 31 के तहत अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की प्रोसीजर लगेगी। पहले मैं वो आर्टिस्ट वाला याद दिला दूं आपको, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की प्रोसीजर लगेगी, मतलब क्या, रिमूवल के वक्त इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ओके, वहाँ पे गुड्स चले जाएगा, सुनना, वहाँ पे गुड्स चले जाएगा, अगर एग्जीबिशन में बेचा गया तो वो ओके अप्रूव हो जाएगा, सप्लाई फ्रुक्टिफाई हो जाएगा, इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बेचा गया तो 6 महीने में वापस लाना पड़ेगा, और अगर 6 महीने में वापस नहीं लाया गया, क्योंकि सेक्शन 31 में अप्रूवल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में ओके 6 महीने में अगर गुड्स वापस नहीं आया तो जिस दिन 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ याद है आपको, जिस दिन 6 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन वो सप्लाई मान लिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? उस दिन वो सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। तो फिर लगभग ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैसा ही है, सिर्फ वो इंडिया के बाहर जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके जस्ट यहाँ पे वो एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब सप्लाई हो रहा है और वो इंटरेस्टेड सप्लाई हो रहा है, ये कहाँ लिखा है? पहले तो वो सप्लाई होना चाहिए सेक्शन 71A में, पर बाद में देखेंगे कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे ओके बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ओके, तो ये इंडस्ट्री ने सीबीआईसी से क्लैरिफिकेशन मांगा कि हमें करना क्या है, क्या हमें ओके यहाँ पे सप्लाई ट्रीट करना है जस्ट बिकॉज वो एक्सपोर्ट हो रहा है, जबकि हमने अभी तक सेल नहीं किया है, किसी को बेचा नहीं है, क्या हमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करने हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एग्जीक्यूट करना है? अलग अलग ऑफिसर अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, कोई ऑफिसर कहता है IGST पे कर दो, कोई ऑफिसर कहता है बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एग्जीक्यूट कर लो, हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। एट लास्ट CBIC का क्लैरिफिकेशन आ गया इसके ऊपर, और CBIC ने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया। CBIC ने क्या कहा, ये हटाओ सब, और CBIC ने कहा ओके ये सब हटाओ। CBIC ने कहा कि जब आप क्वांटिटी रिमूव करोगे एट द टाइम ऑफ सेंडिंग दैट क्वांटिटी, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, क्यों सप्लाई नहीं माना जाएगा? क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है। ओके, सप्लाई नहीं माना जाएगा, और सप्लाई नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में ओके कंसिडरेशन ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सप्लाई ही नहीं है देन ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई। ओके, तो वो सप्लाई ही नहीं है तो फिर उसे जीरो रेट सप्लाई नहीं बोला जाएगा। अगर जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है तो बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो रिमूवल अंडर ओके अगर हम बात करें सो रिमूवल अंडर रूल 55 चालान, ये रूल 55 चालान में ही रिमूव होगा, डिलीवरी चालान में ही रिमूव होगा, जिसे हम डिलीवरी चालान कहते हैं, रूल 55 चालान कॉल एज डिलीवरी चालान। ओके, थैंक यू CBIC, डिलीवरी चालान, दैट मीन्स दैट इज नो नीड टू एग्जीक्यूट व्हाट बेटा, बॉन्ड, आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूल 55 चालान बनाओ और गुड्स को लेके जाओ एग्जीबिशन के लिए। थैंक यू CBIC, ओके आपने हमें ओके बॉन्ड की झंझट से बचा लिया, IGST की झंझट से बचा लिया, और हमें सिर्फ रूल 55 चालान बना के GST में गुड्स ओके यहाँ पे लेके जाना है। नो डाउट कस्टम की फॉर्मेलिटी होगी क्योंकि गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है, शिपिंग बिल वगैरह फाइल होगा, पर रूल 55 चालान ही यहाँ बनाई जाएगी। चलो भाई, गुड्स वहाँ पहुँच गया। अब गुड्स वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा? ओके, गुड्स वहाँ पहुँचने के बाद आपकी क्वांटिटी आइदर सेल हो जाएगा, मतलब आपने क्वांटिटी सोल्ड,
ओनली और पार्टली और नॉट सोल्ड, अगर सेल हो गया विद इन सिक्स मंथ सेल हो गया तो ओके इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उस दिन वो सप्लाई माना जाएगा एंड उसे इनवॉइस टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेल नहीं हुआ तो फिर विद इन सिक्स मंथ्स, सर ये सिक्स मंथ्स आप क्यों ले रहे हो, अगर आपको याद होगा तो अप्रोल गुड्स सेंट ऑन अप्रोल और रिटर्न बेसिस में 6 महीने के अंदर अगर एक्सेप्टेंस आ गया या सप्लाई फ्रुक्टिफाई हो गया तो इनवॉइस उस दिन बनाया जाता है और उस दिन लायबिलिटी आती है। अगर 6 महीने के अंदर सप्लाई फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ तो नॉट सोल्ड विद इन सिक्स मंथ, तो इसमें दो बातें हो सकती है। क्या दो बातें हो सकती है? ओके, एक गुड्स आर नॉट रिटर्न बैक विद इन सिक्स मंथ्स, 6 महीने में वो वापस नहीं आया, या गुड्स आर ब्रॉट बैक, तो अगर गुड्स वापस आ जाते हैं तो नो टैक्स, आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन गुड्स नहीं आते हैं तो पहला पॉइंट, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, 6 महीने में नहीं आते तो सप्लाई ऑन द डेट व्हेन सिक्स मंथ्स from the date of removal get over, जिस दिन आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ओके उस दिन सप्लाई मान लिया जाएगा and issue tax invoice, और उस दिन आपको tax invoice issue करना पड़ेगा। ये आई के बाद आपके समझ में, yes or no? अब सवाल क्या है? सवाल है कि सर हम तो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, सुनिए आप, हम तो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं इधर ये केस में सेल हो गया या फिर 6 महीने में हमारा ओके नहीं सेल हुआ और गुड्स भी वापस नहीं आए, क्या हम जब टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे तो क्या उस वक्त एक्सपोर्ट बोला जाएगा? अगर उस वक्त एक्सपोर्ट बोला जाएगा एट द टाइम ऑफ सेल या जिस दिन 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, अगर उस वक्त सप्लाई बोला जाएगा तो क्या उस वक्त हमें एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या एक्सपोर्ट बेनिफिट मतलब ITC के रिफंड, या फिर क्योंकि पहली बात तो आपने IGST दिया ही नहीं, IGST नहीं दिया तो सवाल ही नहीं है ओके, IGST दिया ही नहीं तो IGST के रिफंड क्या क्लेम करोगे? लेकिन आपने ओके इसमें I+IS यूज़ किया होगा, उसका ITC लिया होगा तो वो ITC का रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सवाल है ITC का रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखो CBIC ने क्या क्लैरिफाई किया, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, पर यस बैकग्राउंड हिस्ट्री आपके समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम जो है ओके आपको ड्रॉ करना है तो कर लेना, लेक्चर यहाँ पॉज करके आप इसको ड्रॉ कर लेना अगर करना है तो ओके। नाउ चलो हम क्लैरिफिकेशन यहाँ देखते हैं, पर मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पॉज करके आप चलिए मैं आता हूँ ये क्लैरिफिकेशन पे।
whether activity of sending, taking goods out of India for exhibition or a consignment basis is a supply. जो आप गुड्स बाहर भेज रहे हो एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट बेसिस पे, क्या वो सप्लाई है? और क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंड टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन? हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ये बताइए। लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में सेक्शन 7 कहता है सप्लाई तभी बोला जाएगा अगर कंसिडरेशन होगा। ओके, एक्सेप्ट एक्टिविटी कवर्ड इन शेड्यूल 1 और सेक्शन 16 में। ओके, आपको जरूरी जब तब मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या SEZ को सप्लाई कर रहे हो। क्लैरिफिकेशन देखो क्या आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन क्या आया देखो। एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग और टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन वुड नॉट बी कंसिडर एज अ सप्लाई, वुड नॉट बी कंसिडर एज सप्लाई एज नो कंसिडरेशन एट दैट पॉइंट। यानी जब आपका गुड्स आप भेजोगे रिमूव होगा उस वक्त उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा अनलेस कवर्ड बाय शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में वैसे कवर ही नहीं होता है जब तक वो रिलेटेड पार्टी को ना जाए, डीम डिस्टिंग पर्सन को ना जाए या परमानेंट ट्रांसफर ना हो। नाउ सच एक्टिविटी विच इज नॉट अ सप्लाई वुड नॉट रिगार्डेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। ऐसी एक्टिविटी जो सप्लाई ही नहीं है तो फिर वो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं मानी जाएगी। नाउ लिस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑन इशू रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, इश्यूएंस ऑफ डिलीवरी चालान एंड टैक्स इनवॉइस। क्लैरिफिकेशन देखो क्या है, पहला वेदर एनी रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर सेंडिंग द गुड्स। यस, वो कहते हैं सिर्फ रजिस्टर पर्सन ने कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड्स उसके मेंटेन करने चाहिए इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। नाउ गवर्नमेंट उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करेगी और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ, इतनी ही रिक्वायरमेंट है। दूसरा, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर सेंडिंग द गुड्स आउटसाइड इंडिया। तो एज द एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, वेरी गुड, एक्टिविटी को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस माना गया। द गुड शैल बी अकम्पनीड बाय डिलीवरी चालान अंडर रूल 55। ओके, तो रूल 55 के तहत उसे डिलीवरी चालान यहाँ बनानी पड़ेगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है तो बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन इट इज द सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सेंड और टेक आउट ऑफ इंडिया सेट टू टेक प्लेस। फिर चलो ठीक है, रिमूवल करते वक्त सप्लाई नहीं माना गया तो उसे सप्लाई कब माना जाएगा? तो हमने दो बातें देखी, अगर वो 6 महीने में सेल हो गया तो जिस दिन सेल हुआ उस दिन सप्लाई माना जाएगा, या फिर जिस दिन 6 महीने कंप्लीट हो गए उस दिन सप्लाई माना जाएगा। तो देखो, द गुड्स सेंड टेकन आउट ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी इधर सोल्ड और ब्रॉड बैक विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल अंडर सेक्शन 317। इफ गुड्स आर नीदर सोल्ड नॉर ब्रॉड बैक विद इन 6 months सप्लाई वुड बी डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months। यानी 6 महीने के में वो वापस भी नहीं आया, तो 6 महीने जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन सप्लाई मान लिया जाएगा। और इफ गुड्स आर सोल्ड अब्रॉड पार्शियली और फुल्ली द सप्लाई इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी सो सोल्ड ऑन द डेट ऑफ सेल। या अगर वो सेल हो जाता है तो जिस दिन वो सेल हुआ उस दिन सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, वेदर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड व्हेन स्पेसिफाइड गुड्स सेंड टेकन आउट ऑफ इंडिया आर नॉट ब्रॉड बैक इधर फुल्ली और पार्शियली विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। इफ गुड्स आर नीदर सोल्ड नॉट ब्रॉड बैक within 6 months supplier shall issue tax invoice on the date of expiry of 6 months or if goods are sold abroad partially or fully then supplier need to raise the issued tax invoice at the time of sale and in accordance with the provision of section 12 and section 31 of CGST act। to section 31 ke hisab se usse jis din sale hua us din invoice raise karna padega aur uska TOS section 12 mein accordingly aayega। are you getting me? तो ये क्लैरिफिकेशन आया। उसके बाद में फिफ्थ क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा है। वेदर रिफंड क्लेम कैन बी प्रीफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया बट नॉट ब्रॉड बैक। सिचुएशन वेयर सप्लाई हैज डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस आफ्टर गुड्स हैव बीन सेंट आउट टू इंडिया द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग और टेकिंग स्पेसिफाइड गुड्स। रिफंड के बारे में देखो वो क्या बोल रहे हैं। द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग और टेकिंग स्पेसिफाइड गुड्स आउट ऑफ इंडिया इट्स नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई। इन दैट केस द सेंडर गुड्स कैन नॉट प्रीफर एनी रिफंड क्लेम व्हेन स्पेसिफाइड गुड्स आर सेंड और टेकन आउट ऑफ इंडिया। सो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट तो उन्होंने कहा जब आप गुड्स भेज रहे थे
ओके, तो जब आप गुड्स भेज रहे थे तब तो वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं था, तो भेजते वक्त जीरो रेटेड सप्लाई नहीं था तो उस वक्त तो आप रिफंड क्लेम कर ही नहीं सकते क्योंकि जीरो रेट का स्टेटस मिला ही नहीं। ओके, और आपने ना बॉन्ड एग्जीक्यूट किया। हाँ, अगर आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करते, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एग्जीक्यूट करते तो ITC का रिफंड तो भी ले सकते, लेकिन बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सप्लाई ट्रीट नहीं हुआ। चलो बाद में क्या बोलते हैं देखते। ओके, सेंडर कैन प्रीफर अ रिफंड क्लेम। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंडर कैन प्रीफर रिफंड क्लेम इवन वेन गुड्स आर सेंड विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इफ सप्लायर इज अदरवाइज एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 54, रिव्यू सेक्शन 89, दैट इज क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम में लिख देना। ओके, अगर वो सप्लाई हो जाता है और वो टैक्स इनवॉइस इश्यू कर देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम रिफंड ऑफ ITC, रिफंड ऑफ ITC। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो ITC का रिफंड क्लेम कर सकता है। इसका रिफंड मिलेगा, कमऑन, इसका रिफंड मिलेगा ITC का एज पर रिफंड प्रोविजन। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ओके, बहुत से लोगों का ये कहना था कि अगर भेजते वक्त बॉन्ड नहीं दिया, क्योंकि बॉन्ड तो भेजते वक्त ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और रिमोल के वक्त अगर बॉन्ड दिया नहीं तो हम रिफंड कभी नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट कहते हैं नहीं 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 नहीं, ओके, जिस दिन वो इनवॉइस बना लेगा और टैक्स इनवॉइस बनाएगा उस दिन एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा और बेचारे का रिफंड मत रोको। ओके, उसको उस दिन रिफंड दो जिस दिन वो सप्लाई फ्रुक्टिफाई हो गया, आइदर उसने सेल कर दिया या 6 महीने कंप्लीट हो गया, उस दिन वो जीरो रेट मान लिया जाएगा इवन दो बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और वो सिचुएशन में यहाँ पे उसको रिफंड दे दिया जाएगा। थैंक यू CBIC, आपने बहुत अच्छा काम किया। फॉर द रिफंड क्लेम कैनॉट बी प्रीफर्ड अंडर रूल 96, रिफंड फॉर एक्सपोर्ट विद इन विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। हाँ, 96 का जो रूल 96 का रिफंड है, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड सप्लाई टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ गुड्स हैव ऑलरेडी बीन सेंट। हाँ, और वो तीसरी बात क्या कह रहे हैं, तीसरी बात ये कह रहे हैं कि एक दूसरा वाला रिफंड है कि अगर आप IGST देते हो तो IGST का रिफंड जीरो रेट में, ITC की बात नहीं कर रहे। अगर आप IGST देते हो तो IGST का रिफंड, पर आपने IGST दिया ही नहीं, विदाउट IGST एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्वेश्चन ऑफ रिफंड डज नॉट अराइज। ठीक है, हम उसको जिस दिन बेचा जाएगा उस दिन जीरो रेट बोलेंगे, सुनो, जिस दिन बेचा जाएगा उस दिन जीरो रेट बोलेंगे। ओके, पर उसका रिफंड IGST आपने दिया ही नहीं। अगर IGST आपने दिया नहीं तो रूल 96 का रिफंड की बात ही मत करना। आपको जो भी रिफंंड मिलेगा रूल 89 में ITC का रिफंड आप क्लेम कर सकते हो, उसका नुकसान हम आपका नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग मी? तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू यहाँ पे उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया, बहुत अच्छे क्लैरिफिकेशन, इलस्ट्रेशन भी दिए बेटा। एग्जाम में ये इलस्ट्रेशन में से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलो इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेता हूँ। ABC सेंड 100 यूनिट स्पेसिफाइड आउटसाइड इंडिया, 100 क्वांटिटी उसने भेजी। ओके, द एक्टिविटी मियरली सेंडिंग टेकिंग स्पेसिफाइड गुड्स आउट ऑफ इंडिया इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, उसको डिलीवरी चालान बनानी पड़ेगी रूल 55 के तहत, और उसे कोई टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिलीवरी चालान बनानी पड़ेगी उसको। 6 महीने में अगर गुड्स वापस लाना पड़ेगा, ठीक है, इनकेस, लास्ट पॉइंट, इनकेस हाउएवर एंटायर क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इज नीदर सोल्ड नॉर ब्रॉड बैक विद इन 6 मंथ, अगर 6 महीने में वापस नहीं लाता है या सेल भी नहीं हुआ होगा, द डेट ऑफ रिमोल द टैक्स इनवॉइस वुड रिक्वायर टू बी इश्यूड फॉर एंटायर 100 यूनिट स्पेसिफाइड गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 रीड विथ रूल 46। तो नाउ ऐसे केस में उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और उस सेक्शन 12 के हिसाब से उसका TOS आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। नाउ केस नंबर 2, ABC लिमिटेड 100 यूनिट्स आउटसाइड इंडिया भेजा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसे टैक्स इनवॉइस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा रूल 55 के तहत। अब आगे देखना, इफ 10 यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स आर सोल्ड अब्रॉड से आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेंडिंग टेकिंग आउट एंड अनदर 15 यूनिट्स आर सोल्ड आफ्टर 2 मंथ्स सेंडिंग टेकिंग आउट, द टैक्स इनवॉइस वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इशू 10 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स एज द केस में बी एट द टाइम ऑफ ईच ऑफ सच सेल। ओके, हर सेल करते वक्त जितनी जितनी क्वांटिटी उसकी बेची गई उसके हिसाब से उसको टैक्स इनवॉइस बनानी पड़ेगी। इफ रिमेनिंग 40 यूनिट्स आर नॉट ब्रॉट बैक विद इन इंडिया स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स द डेट ऑफ रिमोल टैक्स इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर रिमेनिंग 40 यूनिट्स। ओके, जिस दिन उसके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, फर्दर ही कैन क्लेम द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC ओके ऑफ टोटल 60 यूनिट्स। हाँ, वो
60 यूनिट्स यानी इन शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, ही मे क्लेम द रिफंड ऑफ एक्युमुलेटेड आईटीसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन दिस 54(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड 89(4) इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ 60 यूनिट्स। हाँ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो 40 यूनिट जो नहीं आए, जो सप्लाई मान लिए गए क्योंकि नहीं आए, उसका वो आईटीसी रिफंड नहीं क्लेम कर पाएगा क्योंकि वो 6 महीने आपने लाए नहीं, ठीक है, यानी उसका वो सप्लाई मान लेंगे, उसका आईजीएसटी आ जाएगा 40 यूनिट जो नहीं लाए, तो उसका आप, आई रिपीट, उसका आप आईटीसी का रिफंड नहीं क्लेम कर पाओगे वो 40 यूनिट का। पर जो 60 यूनिट आपने बेचे, वो 60 यूनिट का जीरो सप्लाई का 60 यूनिट्स का आप रिफंड क्लेम कर पाओगे। यानी हमारे डायग्राम में ओके, थोड़ा ये चेंज करना है बेटा। जो सेल हुए है उसका रिफंड ऑफ आईटीसी मिल जाएगा, रिफंड ऑफ आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं लाया है ओके, क्यों, उसे सप्लाई तो मान लिया जाएगा क्योंकि वो नहीं आया, बट नो रिफंड ऑफ आईटीसी, वो केस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? एक बार फिर से, जो बेच दिया तो उन्होंने बहुत क्लियर वर्ड में बोला बेटा यहाँ पे, मिसेस एबीसी में क्लेम रिफंड ऑफ एक्युमुलेटेड आईटीसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54(3) रीड विथ 89(4) ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड सप्लाई ऑफ 60 यूनिट्स। यानी जो 60 यूनिट उन्होंने बेचे उसका वो क्लेम कर पाएंगे, 40 यूनिट जो ओके यहाँ उन्होंने वो वापस नहीं आए, तो उसका आईटीसी रिफंड क्लेम वो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जो ब्रॉडबैक नहीं हुआ तो थोड़ा प्रॉपरली लिखना, जो नहीं आए ओके उसका आईटीसी वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यस जो यहाँ पे यानी इसे सप्लाई तो मान लिया जाएगा पर आईटीसी के रिफंड नहीं मिलेंगे, पर जो बेच दिए गए उसे उसके आईटीसी के रिफंड ओके दे दिए जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देना आपने, और दो दो प्रॉब्लम्स आपने रीड करके जाना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। आई होप यू गॉट इट, यस और नो? चलिए, तो यहाँ हमारा ये क्लैरिफिकेशन खत्म होता है। नाउ वैसे छोटी छोटी बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो है सेक्शन 171 में एंटी प्रॉफिटिंग मेजर में हुई है, स्पेशली प्रोसीजर रिलेटेड पार्ट्स, लेकिन इसमें से जो मेन अमेंडमेंट कहाँ हुई है उतना मैं समझा दूंगा, बाकी प्रोसीजर वाली अमेंडमेंट्स आप रीड कर लेना, आपको कई 3 महीने का 6 महीना हुआ है ओके, और कई ऐसे छोटे छोटे स्टैंडिंग कमिटी वगैरह ऐसे वर्ड ऐड किए गए हैं, ठीक है, तो बाकी आप रीड कर लेना। वैसे एग्ज़ाम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो मेन अमेंडमेंट हुई है वो मेन अमेंडमेंट जो एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर में हुई है ये मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा देखो सेक्शन 171 ध्यान से सुनिएगा, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर सेक्शन 171 क्यों लाया गया, क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि ट्रेडर हुआ, सर्विस प्रोवाइडर हुआ, इनको पहले, जैसे एग्जांपल लेते हैं ट्रेडर है, ट्रेडर को पहले एक्साइज और सर्विस टैक्स से क्रेडिट नहीं मिलते थे, सिर्फ वैट के क्रेडिट मिलते थे, या सर्विस प्रोवाइडर हुआ इनको वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं ट्रेडर्स, अब जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया, इसमें बहुत से गुड्स के रेट कम कर दिए गए, मतलब जो पहले ओके एक्साइज और वैट मिलाकर कुछ 25-30% का टोटल वेटे टोटल टैक्स रेट ज़्यादा था, उसको 12% में लेके आ गए, उसको 18% में लेके आ गए,
तो टैक्स रेट कम कर दिया गया जीएसटी में। दूसरा, क्रेडिट भी सडनली सबका अलाउ कर दिया गया, सभी सी जीएसटी और एस जीएसटी का, यानी आपके एक्साइज के क्रेडिट, समझ लो पहले एक ट्रेडर होगा तो वो ट्रेडर को एक्साइज के क्रेडिट नहीं मिलते थे, सर्विस टैक्स के नहीं मिलते थे, सिर्फ वैट के मिलते थे, लेकिन 1 जुलाई से उसका पुराना एक्साइज और सर्विस टैक्स होगा, स्पेशली एक्साइज होगा, तो वो ट्रांजिशनल प्रोविजन में सी जी एस टी में कन्वर्ट कर दिया गया और आपको क्रेडिट अलाउ कर दिए गए सी जी एस टी के, एस जी एस टी के क्रेडिट अलाउ कर दिए गए। सो सडनली आई टी सी का भी फ्लो बढ़ गया। तो अब आपको जो पहले सेंट्रल के स्टेट के क्रेडिट नहीं मिलते थे, आपको सडनली सबके क्रेडिट मिलने लग गए और बहुत से गुड्स के टैक्स रेट भी कम किए गए। आई रिपीट, बहुत से गुड्स के टैक्स रेट भी कम किए गए। क्या आपने इसका बेनिफिट कंज्यूमर को दिया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स था, क्या आपने ये कंज्यूमर को पास ऑन किया? क्या जो आपके टैक्स रेट कम हुए हैं, आपको क्रेडिट भी फ्लो हुए हैं, उसके वजह से क्या आपने अपनी प्राइजेस कम की? क्या आपके बेनिफिट कमेंसरेट विथ योर प्राइजेस? ओके, तो बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं किया था, एक्स्ट्रा क्रेडिट जो मिला वो खा गए, जीएसटी के रेट जो थे वो कम भी होने के बाद भी प्राइजेस कम नहीं की, कुछ लोगों ने तो बढ़ा दी प्राइजेस, ऐसे सिचुएशन में एक ऑथोरिटी बनाई गई और वो ऑथोरिटी का नाम था नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग ऑथोरिटी, इसका गठन किया गया। और ये ऑथोरिटी क्या करेगी, ये ऑथोरिटी जहाँ पे भी डाउट आया कि कुछ लोगों ने, क्योंकि इनको पता है कि बिस्किट का रेट अगर हमने कम कर दिया होगा या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपने रेट कम कर दिया गया और क्रेडिट हमने अलाउ कर दिए, तो ये सेक्टर में जाके देखो कि कितने लोगों ने अपनी अपनी प्राइजेस कम की है, ठीक है, कितने लोगों ने आप अपनी प्राइजेस कम की है। तो ये ऑथोरिटी बनाई गई, ऑथोरिटी का यहाँ स्ट्रक्चर दिया है कि किस तरह से कौन कौन ऑथोरिटी के मेंबर्स वगैरह हो गए, वो अभी नहीं पढ़ूंगा मैं अमेंडमेंट में, लेकिन एक ओके नेशनल लेवल पे एंटी प्रॉफिटरिंग ऑथोरिटी बनाएगी, जिसका काम ये था कि भाई पर्टिकुलर सेक्टर में अगर रेट कम हुए हैं, क्रेडिट फ्लो हुए हैं, तो जाके देखो कि इन्होंने अपनी करस्पॉन्डिंगली प्राइजेस कम किया है या नहीं किया है। और ये ऑथोरिटी जो है चेक होने के बाद अगर इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ प्रॉफिटरिंग हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऑर्डर बेनिफिट लिए गए पर पास ऑन नहीं किए गए। आई रिपीट, बेनिफिट्स लिए गए पर पास ऑन नहीं किए गए, तो ये ऑथोरिटी जो है ओके यहाँ पे ऑर्डर पास ऑन कर सकती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो समझा देता हूँ, इसके आगे जो प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स है वो आप पढ़ सकते हो, वैसे एग्जाम के हिसाब से आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या देखो यहाँ पे, वो ऑर्डर क्या दे सकती है, पहली ऑर्डर रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो पहला ऑर्डर वो जो है, सॉरी पहला ऑर्डर नहीं, कि अगर उन्होंने, अगर ये अथॉरिटी को पता चलता है यहाँ पे कि जो बेनिफिट्स मिले, कैसे मिले बेनिफिट, टैक्स को रिड्यूस, क्योंकि टैक्स रिडक्शन आया, टैक्स कम किए गए या आईटीसी फ्लो हुए, तो टैक्स कम किए गए या आईटीसी फ्लो हुए, और वो जो टैक्स कम हुए और आईटीसी फ्लो हुए वो कस्टमर को पास ऑन नहीं किया गया, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं। क्या ऑर्डर दे सकते हैं, कि उतने अमाउंट से प्राइस कम करो, या रिसिपियंट से आपने पैसा ले लिया होगा, ओके ज़्यादा प्राइस का ज़्यादा इसका, तो रिसिपियंट को वो रिटर्न करो। अब रिसिपियंट को रिटर्न करते वक्त देखो अमाउंट कितना, अमाउंट रिसिपियंट को रिटर्न करो इक्वलन टू द अमाउंट नॉट पास ऑन बाय वे ऑफ कमेंसरेट द रिडक्शन इन प्राइजेस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। हाँ, ये अमेंडमेंट हुई है कि आप अपने बायर से अगर आपने ज़्यादा पैसा ले लिया होगा, क्योंकि आपने टैक्स रेट कम होने के बाद भी प्राइजेस कम नहीं की, आईटीसी ज़्यादा मिलने के बाद भी आपने कस्टमर को बेनिफिट नहीं दिया, तो उतना इक्वलेंट बेनिफिट जो है आप अपने कस्टमर को वापस करो। अगर कस्टमर को वापस नहीं किया तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो पहले तो कस्टमर को वापस करो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, उसको और इंटरेस्ट के साथ, और कितना इंटरेस्ट बेटा, 18% फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ हायर अमाउंट टिल द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ सच अमाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नॉट रिटर्न एज द केस मे बी। या फिर अगर वो कस्टमर नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट के पास 50% जो है ओके, वो जितना भी आपने एक्सेस बेनिफिट लिया
उसका 50% जो है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट वाला क्लॉज आया 18% का, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो है 50% आप सेंट्रल में डिपॉजिट करो और 50% आप स्टेट में डिपॉजिट करो। मतलब आपने जो फ़ायदा, समझ लो आपका, आपको फ़ायदा हुआ 50,000, तो 50,000 जो फ़ायदा हुआ था आपको जीएसटी का इनपुट क्रेडिट बढ़ जाने की वजह से और टैक्स रेट कम हो जाने की वजह से, उतना उसमें का 25,000 आप सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करो और 25,000 स्टेट को डिपॉजिट करो। और नेक्स्ट, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रोविजन थी बेटा। तो अमेंडमेंट क्या रही, तो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पे ये रही कि आपको जो पैसा वापस करना है या गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना है वो इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट करना है। बाकी तो बेटा जो रिपोर्ट आएगी उसमें आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, अथॉरिटी के पास जाएगा, 3 महीने का 6 महीना कर दिया गया है। ओके, 3 महीने का 6 महीना कर दिया गया है। नाउ डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग, उनसे रिपोर्ट डिटेल में मंगवाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन की। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है, ये प्रोसीजर रिलेटेड, ये आपने पढ़ देना। ओके, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर से रिलेटेड। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हो। बस मेन मुझे जो आपका ध्यान लाना था वो इंटरेस्ट अमाउंट पे आपका ध्यान लाना था। तो ये था बेटा मिसलेनियस प्रोविजन में एंटी प्रॉफिटिंग मेजर सेक्शन 171 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई। ओके, और इस पे आएगी तो शॉर्ट नोट ही आएगी एंटी प्रॉफिटिंग में। ओके, तो ये अमेंडमेंट्स कुछ प्रोसीजर में हुई और मेन इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना है ये अमेंडमेंट जो ही है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द अमेंडमेंट्स अंडर जीएसटी लॉ। आई रिपीट, ऑल द अमेंडमेंट्स अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, डन बेटा। ओके, वेल फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन अमेंडमेंट्स इन कस्टम्स एक्ट 1962। सी, चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स आई हैव टेकन एंड रेफरेंस ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रॉम अवर बुक, इफ़ यू आर रेफरिंग माय बुक, अदरवाइज जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे होगे तो चैप्टर के टाइटल तो सेम ही होगे। ठीक है बेटा, तो कुछ अमेंडमेंट्स जो है मैं यहाँ पे जो आपके अटेम्प्ट के लिए आई है हम डिस्कस करेंगे। कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है कस्टम्स एक्ट में, सिंपल सिंपल अमेंडमेंट्स हैं। तो ये जो सिंपल सिंपल अमेंडमेंट्स हुई हैं ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली ये जो है एक सर्कुलर डेफर्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्चुअली ये अमेंडमेंट नहीं है, इस पर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये डाल दिया है, डेफर्ड पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे कस्टम में कुछ लोगों को डेफर्ड पेमेंट अलाउ कर दिया गया है, मतलब वो डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पहले ये प्रोविज़न थी कि जब तक आप इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करते हो आपको क्लियरेंस ऑर्डर नहीं मिलता था, लेकिन कुछ लोगों को डेफर्ड पेमेंट अलाउ किया है। तो डेफर्ड पेमेंट से रिलेटेड एक प्रोविज़न मैंने यहाँ रिपीट किया है, एक्चुअली ये आपके आइटम की अमेंडमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ इसलिए, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एन एलिजिबल इंपोर्टर इंटेंडिंग टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अंडरलाइन द वर्ड डेफर्ड पेमेंट, शैल इंटीमेट टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द पोर्ट ऑफ क्लियरेंस हिज इंटेंशन टू अवेल द सेड बेनिफिट हु ऑन बींग सेटिस्फाइड विद द एलिजिबिलिटी ऑफ द इंपोर्टर अलाउ हिम टू पे ड्यूटी एज पर ड्यू डेट्स। सो देर आर नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो जो जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा जिनको डेफर्ड पेमेंट मिलेगा वो नीचे दिए गए और कि टेबल के हिसाब से ड्यू डेट में अपना टैक्स पे करेंगे। जैसे गुड्स करस्पॉन्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री रिटर्न फॉर पेमेंट फर्स्ट डे टू 15 डे ऑफ द मंथ, यानी आपकी बिल ऑफ एंट्री असेस हो जाएगी, असेस होकर आपको वापस कर दी जाएगी, और जो असेस होकर आपको वापस कर दी जाएगी तो इसका पेमेंट
मतलब वो असेस बिल ऑफ एंट्री की डेट अगर 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में होगा मंथ के, तो इसको 16 को टैक्स पे करना पड़ेगा, और 16 से लास्ट डे ऑफ मंथ होगा तो फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी क्वार्टरली पेमेंट है यहाँ पे बेटा, मंथली नहीं यहाँ पे क्वार्टरली पेमेंट दिया गया है, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट रखी गई है नेक्स्ट डे आफ्टर दैट, सॉरी फोर्टनाइटली पेमेंट रखा गया है, या मंथली और क्वार्टरली नहीं है, या पेमेंट जो रखा गया है फोर्टनाइटली पेमेंट रखा गया है, 1 से 15 तारीख तक आपकी बिल ऑफ एंट्री जो असेस करके आपको मिल जाएगी, ओके वो बिल ऑफ एंट्री जो आपको असेस करके मिल गई उतना आपको 16 तारीख को पेमेंट करना है, और 16 से 30 या 31 तक जो बिल ऑफ एंट्री आपको असेस करके मिल जाएगी उसका पेमेंट आपको डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी में 1 तारीख तक, अगले महीने के 1 तारीख तक करना है। लेकिन मार्च का जो लास्ट फोर्टनाइट रहेगा, मार्च का फोर्टनाइट का पेमेंट आपको 31 मार्च को ही करना है। नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ड्यूटी, द एलिजिबल इम्पोर्टर शैल पे ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली, हाउएवर द असिस्टेंट और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अलाउ द पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय एनी मोड अदर देन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। सो वैसे तो आपको जो भी कस्टम ड्यूटी के पेमेंट करने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही हो गए, और अब सेक्शन 51A के हिसाब से कैश लेजर भी, जैसा GST में कैश लेजर होता है वैसे कस्टम पोर्टल पे भी आपका कैश लेजर रहेगा, और वो कैश लेजर के थ्रू ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कभी कोई दिक्कत जाए तो आप अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी पेमेंट कर सकते हो। डिफर्ड पेमेंट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, हाँ इफ देर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय ड्यू डेट मोर देन वंस इन अ 3 consecutive months द फैसिलिटी ऑफ डिफर्ड पेमेंट विल नॉट बी अलाउड अनलेस ड्यूटी विथ इंटरेस्ट हैज बीन पेड इन फुल। अगर आपने 3 महीने के पीरियड में, यानी कोई भी सलग 3 महीना कंटिन्यूस 3 महीने के पीरियड में अगर 1 से ज़्यादा बार, यानी 1 बार डिफॉल्ट किया तो चलेगा, लेकिन मोर देन 1 आपने ड्यू डेट को यानी 16 तारीख को या अगले महीने के 1 तारीख को आपने पेमेंट नहीं किए, यानी ऐसे 2 ड्यू डेट आपने मिस कर दी, तो आपकी डिफर्ड पेमेंट पे जो दी गई फैसिलिटी है वो विड्रॉ कर ली जाएगी, वो विड्रॉ कर ली जाएगी। और यहाँ पे आपको पूरा विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। द बेनिफिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर नॉट बीन असेस और नॉट डिक्लेयर्ड बाय इंपोर्टर इन दिस एंट्री। हाँ, अब बेनिफिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर नॉट बीन असेस और नॉट डिक्लेयर बाय द इंपोर्टर इन एंट्री। ऐसे गुड्स जो आपने अपने बिल ऑफ एंट्री में असेस नहीं किए या डिक्लेयर नहीं किए, वो गुड्स अगर पकड़े गए स्पेशली स्मगल गुड्स वगैरह, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? उसका आपको डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी में बेनिफिट नहीं मिलेगा। डन। उसके बाद में यहाँ पे अब देखते हैं कुछ अमेंडमेंट्स जो जहाँ रियल सेंस में अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 48 में। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 48 में यहाँ थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ, ठीक है? इसका बैकग्राउंड ऐसा है बेटा, जैसे ये आपका पोर्ट एरिया है, अब आपको मत पता है कि पोर्ट एरिया मैनेज बाय कस्टडियन पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड एक्सेट्रा। अब बेटा ये पोर्ट एरिया पे आपके कंसाइनमेंट पड़े हुए हैं, अब ये आप ये बताइए कि कितने दिन में वो कंसाइनमेंट क्लियर करने पड़ते हैं? चलो बताओ बेटा कितने दिन में वो कंसाइनमेंट क्लियर करने पड़ते हैं? तो आपको ये कंसाइनमेंट जो है ओके 30 डेज में आफ्टर अनलोडिंग, यानी जब आपने अनलोडिंग कर दी, अनलोडिंग के 30 दिन के अंदर अनलोडिंग के 30 दिन के अंदर आपको ये क्लियर करने पड़ते हैं। तो 30 डेज में आपको क्लियर करना है, या एक्सटेंडेड जो टाइम पीरियड होगा वो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में आपको क्लियर करना है, अगर कोई एक्सटेंडेड टाइम पीरियड होगा। अगर 30 दिन के अंदर आपने नहीं सेल किया तो कस्टडियन आपका गुड्स जो है आपका गुड्स ऑक्शन में सेल कर सकता है, आपका गुड्स ऑक्शन में सेल कर सकता है। अब बेटा जो ऑक्शन में बाय करने वाले हैं ये 2-3 लोग हैं, समझ लो बायर B1, बायर B2 और बायर B3, ये 3 लोग ऑक्शन में बाय कर रहे हैं। तो पहला सवाल,
भाई इम्पोर्टर ने तो 30 दिन में क्लियर नहीं किए, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टर ने 30 दिन में तो क्लियर नहीं किए। ओके, यहाँ जो यहाँ पे 30 दिन में क्लियर या एक्सटेंडेड पीरियड में क्लियर नहीं करने की वजह से कस्टडियन जो है, कस्टडियन की जगह जो ऑक्यूपाई हुई है, तो कस्टडियन वो गुड जो है ऑक्शन में सेल कर देगा, ऑक्शन में बॉस से बायर को सेल कर देगा। तो अब सवाल ये है कि इसकी बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा? जो भी गुड्स ऑक्शन में सेल हुए हैं, ओके, परचेस करने वाले अलग अलग लोग हैं, लेकिन कस्टडियन ही इसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टडियन जो है वही बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। और जो लोगों ने खरीदे हैं सबकी अलग अलग फाइल नहीं करेगा, वो कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा, कंसोलिडेटेड, और जिसको भी बेचा उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देगा, कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा। और उसका ये जो बिल ऑफ एंट्री कस्टडियन फाइल करेगा, ओके, यहाँ पे ये कस्टडियन कस्टम डिपार्टमेंट को बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा, कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा। और ये कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री जो कस्टम डिपार्टमेंट को फाइल कर दी जाएगी, उसका ड्यूटी पे करने की जिम्मेदारी कस्टडियन पे होगी। वो बात अलग है कि वो बायर से रिकवर करे या क्या करे, पर ड्यूटी दे पेमेंट करने की जिम्मेदारी कस्टडियन पे होगी। ओके, तो ये कस्टडियन को एक बिल ऑफ एंट्री का, उन्होंने कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री का ऑप्शन लाया है। ये एक सर्कुलर ऐड हुआ है जो मैंने सेक्शन में यहाँ ऐड करके दिया है, तो सेक्शन 48 से रिलेटेड ये सर्कुलर जो है वो यहाँ पे आया है। देखिए, इफ एनी इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउस और ट्रांसशिप विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अनलोडिंग देयर ऑफ और विद इन फर्दर टाइम एज प्रॉपर ऑफिसर में अलाउ। अगर आपने 30 दिन के अंदर वो गुड्स क्लियर नहीं किया या ऐसे फर्दर टाइम में नहीं किया, सच गुड्स में आफ्टर नोटिस टू एन इम्पोर्टर और विद द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर मे बी सोल्ड बाय कस्टडियन। वो गुड्स अगर 30 दिन में क्लियर नहीं हुआ तो कस्टडियन वो गुड्स को सेल कर देगा, ठीक है। नाउ आफ्टर सक्सेसफुल बीडर हैज बीन इन्फॉर्म अबाउट द रिजल्ट ऑफ ऑक्शन, अ कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री बायर वाइज विल बी फाइल विद द कस्टम इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बाय कंसर्न कस्टडियन। मतलब क्या, वो जब भी सेल करेगा, ओके, तो नो डाउट ऑक्शन में सेल करेगा, उसकी सक्सेसफुल बिडिंग होगी, और जितना भी गुड सेल हुआ ऑक्शन में उसका कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री, आई रिपीट, उसका कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री, जिसमें जो जो भी बायर को बेचा, जैसे बायर B1 को बेचा, B2 को बेचा, B3 को बेचा, तो सबके इनवॉइस उसके साथ अटैच वो कर देगा जिसको भी उसने माल बेचा है। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की जिम्मेदारी कस्टडियन पे होगी, और कस्टडियन जो है ये कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, एक ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा और सबके इनवॉइस अटैच करेगा। द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम शैल असेस द गुड्स टू ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट ऑफ लॉ विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री एंड आफ्टर असेसमेंट इन्फॉर्म द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल टू कंसर्न कस्टडियन। सो नाउ ऐसे सिचुएशन में ऑफिसर उसकी ड्यूटी असेस कर लेगा, ओके, और असेसमेंट के हिसाब से, असेसमेंट के बाद कितना ड्यूटी उसका बनता है जो ऑक्शन में गुड सेल हुआ है, उसका जो है वो कंसर्न कस्टडियन को इन्फॉर्म कर देगा। एन ऑक्शन गुड शैल बी हैंडेड ओवर टू द सक्सेसफुल बीडर आफ्टर असेसमेंट एंड आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर गिवन बाय प्रॉपर ऑफिसर। पर क्या रहे, जिसको भी ऑक्शन में गुड्स बेचा गया, बायर B1, B2, B3, जिसको भी गुड्स यहाँ ऑक्शन में बेचा गया, बात समझ में आई, तो यहाँ पे उनको इमीडिएट पोजीशन नहीं मिलेगा। पहले ओके बिल ऑफ एंट्री असेस होगी, उसकी ड्यूटी कैलकुलेट होगी, उसकी ड्यूटी कस्टडियन पे करेगा, उसकी ड्यूटी कस्टडियन पे करने के बाद ओके उसकी रिलीज ऑर्डर मिलेगी, डिस्चार्ज ऑर्डर मिलेगी, और वो डिस्चार्ज ऑर्डर मिलने के बाद ही वो सक्सेसफुल बिडर जो है वो उसको बाय कर सकते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आया था, ओके, सर्कुलर नंबर 49/2018 में ये क्लैरिफिकेशन लाया गया। उसके बाद बेटा बाकी तो ठीक है, 30 दिन का जो टाइम दिया है, एनिमल और पेरिशेबल गुड्स होगा तो थोड़ा कम भी टाइम हो सकता है, और आर्म्स और एमिनेशन होगा तो वो केस में ऑक्शन नहीं किया जाएगा, वो केस में गवर्नमेंट जिस तरह से डायरेक्शन देगी उस तरह से गुड्स ओके मार्केट में बेचा जाएगा, ओके, या वो प्लेस पे बेचा जाएगा। सो कुछ नहीं बेटा, सेक्शन 48 में जब कस्टडियन ऑक्शन करेगा तो ऑक्शन के वक्त उस पर जो भी ड्यूटी आएगी
वो ड्यूटी पे करने की जिम्मेदारी कस्टडियन पे होगी, आई रिपीट, ड्यूटी पे करने की जिम्मेदारी कस्टडियन पे होगी और उसका कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री जो है वो कस्टडियन फाइल करेगा और वो बिल ऑफ एंट्री असेस होगी, वो असेस बिल ऑफ एंट्री कस्टडियन को दी जाएगी, अकॉर्डिंगली वो ड्यूटी पे करेगा, उसको डिस्चार्ज ऑर्डर मिलेगी यानी आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर मिलेगी और उसके बाद में ही जिसने सक्सेसफुल बिड लगाई है ओके वो यहाँ पे जो है वो गुड्स का पोजीशन ले सकता है। बाकी तो वही प्रोविजन है जो मैंने नोट्स में दी थी, तो ये एक अमेंडमेंट थी। हाँ, क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स सेक्शन 41 में एक छोटी सी अमेंडमेंट है। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस कैरिंग एक्सपोर्ट गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स और एनी अदर पर्सन में स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, तो इसमें ये जो वर्ड ऐड हुआ है एनी अदर पर्सन, ये वर्ड ऐड हुआ है एनी अदर पर्सन में स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय नोटिफिकेशन शाल बिफोर डिपार्चर ऑफ कन्वेंस फ्रॉम कस्टम स्टेशन डिलीवर्ड टू प्रॉपर ऑफिसर इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट डिपार्चर मैनिफेस्ट और इन केस ऑफ व्हीकल एक्सपोर्ट रिपोर्ट इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। मतलब पहले तो मैं प्रोविजन का बैकग्राउंड बता देता हूँ। ओके, एक्सपोर्ट के केस में जब सभी लोडिंग हो जाती है कन्वेंस पे, ओके सब गुड्स लोड हो गए कन्वेंस पे, कन्वेंस में सभी गुड्स लोड होने के बाद उसकी एक मैनिफेस्ट बनता है जिसे एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भी कहते हैं या जिसे डिपार्चर मैनिफेस्ट भी कहते हैं। ओके, सो नाउ वेसल और एयरक्राफ्ट में उसे डिपार्चर मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट कहते हैं और व्हीकल के केस में उसे एक्सपोर्ट रिपोर्ट कहते हैं। तो पहले क्या था, पहले ये जो मैनिफेस्ट था ये पर्सन इन चार्ज को देना पड़ता था, यानी ये पहले ये लायबिलिटी पर्सन इन चार्ज पे थी। अमेंडमेंट क्या हुआ, तो अमेंडमेंट उन्होंने डाल दिया एनी अदर पर्सन एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अमेंडमेंट हुई है। मतलब अब जो है यहाँ पे पर्सन इन चार्ज के बिहाफ पे कोई ऐसा पर्सन भी मैनिफेस्ट दे सकता है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, तो टाइम टू टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। अभी फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है ओके, लेकिन आगे जब भी गवर्नमेंट नोटिफाई करे तो यहाँ पर्सन इन चार्ज ने अगर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट डिपार्चर के पहले या एक्सपोर्ट रिपोर्ट नहीं दिया और पर्सन इन चार्ज के भी आप पे किसी पर अदर पर्सन ने जो नोटिफाई किया गया उसने भी दिया तो भी चलेगा। तो एक बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई है यहाँ पे कि ये जो वर्ड ऐड हुआ है एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उतना एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया है। डन, ओके, नाउ नेक्स्ट हाँ, तो सेक्शन 20 में रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स में बेटा वही प्रोविजन है जो लास्ट टाइम थी ओके, जो आपके लास्ट अटेम्प्ट को भी अप्लीकेबल थी, इसलिए मैं इसको आगे डिटेल में नहीं लूँगा। सिर्फ इसमें जो है नोटिफिकेशन जो है उन्होंने एक्सटेंड करके नया नोटिफिकेशन 60/2018 उतना ही नोटिफिकेशन उन्होंने ऐड किया है। लेकिन मैं आपसे ये चाहूँगा कि सेक्शन 20 जो है आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आई रिपीट सेक्शन 20 जो है आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो भी हमने रेगुलर क्लास में या आपने जहाँ पे भी क्लास किया है ओके, अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन नंबर है ओके, डेट एक्सटेंड करके चेंज किया गया है, बाकी अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है। जैसे री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैं थोड़ा आपको बता दूँ, थोड़ा आइडिया दे दूँ, री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स में आई रिपीट अगर हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट किया हुआ गुड्स वापस इंडिया में आता है, कम ऑन, इंडिया से एक्सपोर्ट किया हुआ गुड्स वापस इंडिया में आता है तो वो सिचुएशन में सेक्शन 20 कहता है कि एट पार उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, एट पार उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस और कंसेशंस दिए हैं लास्ट ओके अमेंडमेंट्स में, ये सभी एग्जम्पशंस और कंसेशंस मैंने कवर किए थे, वही एग्जम्पशंस और कंसेशंस अभी कंटिन्यू रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और ये जो ऐड हुआ है न्यूली इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018, ये आपके लास्ट अटेम्प्ट को भी अप्लीकेबल था और आपके आने वाले अटेम्प्ट को भी अप्लीकेबल रहेगा।
ओके सो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट हुई है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा, यहाँ फाइनेंस एक्ट 2019 से जो अमेंडमेंट हुई है इम्पॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। कस्टम टैरिफ एक्ट में जो चैप्टर नंबर 11 है या 12 होगा आपके नोट्स में, व्हाट यू रीड में भी, तो कस्टम टैरिफ एक्ट में ओके ये दो अमेंडमेंट हुई है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या अमेंडमेंट हुई है थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो कस्टम टैरिफ एक्ट में हमने अलग अलग टाइप की ड्यूटीज़ पढ़ी थी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी भी पढ़ा था, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, इस टाइप की कुछ ड्यूटीज़ हमने ये चैप्टर में पढ़ी थी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कुछ याद आया आपको, यस और नो? चलिए इसमें यहाँ जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है जिसे आप लिख सकते हो सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल जिसे हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहेंगे। सो बेटा ये जो सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल है इसमें सरकमवेंशन मेजर्स यानी एंटी सरकमवेंशन मेजर्स जो है उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन लाएगी। भाई अब पहला आपका सवाल, सर ये सरकमवेंशन होता क्या है और एंटी सरकमवेंशन होता क्या है? ठीक है चलो मैं एक बार पहले समझा देता हूँ। आपको याद होगा तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए भी सरकमवेंशन मेजर थे और यहाँ पे भी अब सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल पे भी एंटी सरकमवेंशन मेजर भी लाए गए। अब होता क्या है, सेम प्रोविजन एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए पहले से थी, होता क्या है समझ लो, बहुत से इंपोर्टर को एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गुड्स है और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगा दिया। क्यों? क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी और फॉरेन गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही थी उसके वजह से गुड्स सस्ता इंडिया में आ रहा था और सस्ता मिलने की वजह से इंक्रीज क्वांटिटी में आ रहा था और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि फॉरेन गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट ने इंडिया में उस पर सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगा दिया। आई रिपीट, गवर्नमेंट ने वो प्रोडक्ट पे सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगा दिया। एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल, चाइना गवर्नमेंट मोबाइल अगर इंडिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो स्पेशल सब्सिडी दे रही है, तो अगर ये मोबाइल पे स्पेशल सब्सिडी दे रही है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ इंडिया में, ओके सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल ये मोबाइल पे लगा दिया गया, एडिशनल अमाउंट इक्वल्स टू सब्सिडी वॉट ग्रांटेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट उतना लगा दिया गया। चलो डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ओके हुआ क्या, तो लोग अब क्या करें, क्यों? क्योंकि अब अगर ये गुड्स लाए जो सस्ते में पहले मिल रहा था पर अब सस्ता नहीं हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने जितनी सब्सिडी मिल रही थी उतनी तो ड्यूटी लगा दी। अब गवर्नमेंट ने जितनी सब्सिडी मिल रही थी उतनी ड्यूटी लगा दी तो अब तो ये सस्ते मिलने वाला नहीं है, तो लोग चालाकी करने लगे, सरकमवेंशन मतलब घुमाना। ओके नाउ यहाँ पे क्या चालाकी करने लगे, तो मोबाइल सीधा सीधा न लाते हुए उसके पार्ट्स लाने लगे, ओके उसका ब्रांड नेम चेंज करके लाने लगे, स्पेयर्स में लाने लगे और इंडिया में उसकी असेंबली करने लगे। तो भाई बन गया मोबाइल, ओके और डायरेक्ट मोबाइल नहीं आया इसलिए सीवीडी नहीं लगेगा क्योंकि सीवीडी तो मोबाइल पे लगाई गई, उसके स्पेयर्स पे थोड़ी लगाई गई, उसके ओके यहाँ पे ब्रांड नेम वगैरह चेंज करके उसके स्पेयर्स लाए गए या कंट्री घुमा के वो गुड्स लाया गया। कभी कभी ऐसा होता था कि चाइना से नहीं, ओके दो तीन कंट्री घुमाकर गुड्स लाया गया, ओके तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सरकमवेंशंस यानी इंपोर्टर्स घुमाती थी गवर्नमेंट को, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एंटी सरकमवेंशन मेजर्स ओके डिक्लेयर हुए फॉर सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। एंटी सरकमवेंशन मतलब तुम हमें घुमा रहे हो क्या, तो ठीक है हम उल्टा घुमाते हैं, उल्टा घुमाते मतलब एंटी सरकमवेंशन मेजर्स गवर्नमेंट ने लाए और पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए थे अब ये सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल के लिए भी प्रिस्क्राइब किए गए। तो सर ये एंटी सरकमवेंशन मेजर क्या प्रिस्क्राइब किए गए, चलो मैं रीड करता हूँ यहाँ पे। वे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंक्वायरी एज इट कंसिडर नेसेसरी इज ऑफ ओपिनियन दैट सरकमवेंशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी हैज टेक प्लेस, मतलब काउंटरवेलिंग ड्यूटी यानी सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, मतलब
गवर्नमेंट को इंक्वायरी में ये पता चला कि ओ तेरी, ये हमको तो घुमाया जा रहा है, सरकमवेंशन किया जा रहा है, ओके, और सीवीडी बचाई जा रही है बाय इधर ऑफ द फॉलोइंग वेज, नीचे दिए गए तरीकों से, ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट को घुमाया जा रहा है और ड्यूटी बचाई जा रही है। पहला, बाय अल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम और कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल ऑन विच सच ड्यूटी हैज बीन इम्पोज, ओके, जो गुड्स पे, ओके, यहाँ पे हाँ, जो गुड्स पे सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगाया गया उसका डिस्क्रिप्शन बदल गया, उसका नाम बदल दिया गया, ओके भाई ये मोबाइल नहीं है, कोई दूसरा ही गुड्स है, उसका डिस्क्रिप्शन ये गेम गेम डिवाइस है, ये डिवाइस है, वो डिवाइस है, इन शॉर्ट यहाँ पे उसका नाम बदल दिया जा रहा है, नाम बदल के उसका कंटेंट बदल दिया जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन बदल दिया जा रहा है, और नाउ ड्यूटी बचाई जा रही है। दूसरा, बाय इम्पोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड फॉर्म, यानी सीधा सीधा मोबाइल ना इंपोर्ट करते हुए उसको के टुकड़ों में अनअसेंबल फॉर्म, डिसअसेंबल फॉर्म मतलब उसके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, या बाय चेंजिंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन और एक्सपोर्ट, कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज किया जा रहा है, और एनी मैनर वेयर बाय काउंटरवेलिंग ड्यूटी सो इम्पोज इज रेंडर्ड इनइफेक्टिव, इट मे एक्सटेंड द काउंटरवेलिंग ड्यूटी टू सच अदर आर्टिकल ऑल्सो, मतलब कुछ ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि जिसके वजह से काउंटरवेलिंग ड्यूटी बचाई जाए। तो गवर्नमेंट कहता है नहीं, ऐसे सिचुएशन में हम अगर बदल के ला रहे होगे तो इन चीज़ों पे भी काउंटरवेलिंग ड्यूटी का नोटिफिकेशन बढ़ाएंगे, और अगर मोबाइल की कोई अलग डिस्क्रिप्शन से लाया जा रहा है या उसका अनअसेंबल फॉर्म में लाया जा रहा है या फिर कंट्री बदल के लाया जा रहा है तो हम वो कंट्री, वो डिस्क्रिप्शन, वो अनअसेंबल फॉर्म वो भी नोटिफाई करेंगे फॉर लेवी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। आई रिपीट, फॉर लेवी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। नाउ इसी चैप्टर में और एक सेक्शन है, सेक्शन 9C अपील। चलो इसकी भी अमेंडमेंट देख लेते हैं, सेक्शन 9C अपील। भाई ये क्या है? ओके, पहले क्या होता था कि यहाँ पे दो ड्यूटी, स्पेशली कौन सी दो ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये ड्यूटी अगर लगा दी गई, ओके, या इसका यहाँ पे ऑर्डर दिया गया या रिव्यू के लिए भेजा गया, ऑर्डर दिया गया या मतलब चलो भाई सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगा दो या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, तो ये ड्यूटी का ऑर्डर दे दिया गया या ये ड्यूटी लगा दी गई तो उसकी जो अपील फाइल होती थी वो अपील यहाँ पे सेस्टैट के पास फाइल होती थी। सेस्टैट मतलब कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि भाई इंडिया के जो इम्पोर्टर है या बाहर के जो लोग हैं जिसके गुड्स इंडिया में आ रहे हैं उनके गुड्स पे आपने सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगा दिया या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, तो ये डिसीजन अगर गवर्नमेंट का गलत हुआ, ये क्यों? क्योंकि ये जनरली होता है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड अलाइड ड्यूटीज, ये जो दिल्ली में डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट इसका इन्वेस्टिगेशन करता है कि क्या हमने ये ड्यूटी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा लगानी चाहिए, तो वो जो है रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर देता है कि चलो इस गुड्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो या इस गुड्स पे सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगा दो। आई बात समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में वो गुड्स पे लगा दिया जाता था, लेकिन इंडिया के इम्पोर्टर जो वो गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं या फॉरेन एक्सपोर्टर जो वो गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नाराज़ हो जाते थे कि ऐसे कैसे लगा दिया गया, क्योंकि इस पे WTO के भी बहुत से रूल्स हैं, ओके, WTO की बहुत सारी शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे इंडियन इम्पोर्टर्स या फॉरेन कंपनी जो वो गुड्स इंडिया में भेजती है वो इसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकती थी। पुराने प्रोविजन में सेक्शन 9C में अपील सिर्फ दो ही ड्यूटी के अलाउड थी, ओके, कौन सी दो ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज, लेकिन अब उन्होंने एक ऐड क्या कर दिया बेटा, अब उन्होंने यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी, ओके, एक आपको याद आ रहा है प्रोटेक्टिव ड्यूटी और दूसरा सेफगार्ड ड्यूटी, यानी अगर सेफगार्ड ड्यूटी भी इंडिया में लगा दी गई तो सेफगार्ड ड्यूटी पर भी ओके अपील फाइल हो सकती है। चलो मैं पढ़ता हूँ ये अमेंडमेंट क्या कहती है, देखो, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर सी अपील अगेंस्ट द ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेशन और रिव्यू देयर ऑफ शैल लाई टू द कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 129 ऑफ कस्टम्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस डिग्री
इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस डिग्री एंड इफेक्ट ऑफ एनी सब्सिडी और डंपिंग, यानी सब्सिडी और डंपिंग इन रिलेशन टू एनी इम्पोर्ट ऑफ एनी आर्टिकल और इम्पोर्ट ऑफ एनी आर्टिकल इन टू इंडिया इन सच इंक्रीज क्वान्टिटी और अंडर सच कंडीशन एज कॉज और थ्रेटनिंग टू कॉज सीरियस इंजुरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री रिक्वायरिंग इम्पोजिशन ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी। मतलब क्या भाई, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल के लिए तो पहले भी अपील फाइल कर सकते थे, और कि डंपिंग के लिए भी पहले भी अपील फाइल कर सकते थे, यानी सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल या डंपिंग के लिए पहले से आप अपील फाइल कर सकते थे अगर आप उस के ड्यूटी से अग्री नहीं हो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाना चाहते हो, तो सेक्शन 9C में आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। अब उन्होंने ऐड क्या कर दिया बेटा, फाइनेंस एक्ट 2019 से उन्होंने ऐड कर दिया सेफगार्ड ड्यूटी पे। अगर कोई गुड्स इंक्रीज क्वांटिटी में इंडिया में आता है एंड दैट इंक्रीज क्वांटिटी कॉज और थ्रेटनिंग टू कॉज सीरियस इंजुरी, मतलब वो इंक्रीज क्वांटिटी में जो गुड्स आया, ओके, वो इंक्रीज क्वांटिटी में आने की वजह से इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजुरी हो जाती है, तो वो केस में यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। और अगर ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई तो पहले अपील का ऑप्शन नहीं था, ओके, तो ये वाला पार्ट जो है अब सेफगार्ड ड्यूटी से अगर इंडियन इंपोर्टर नाराज है या फॉरेन कंपनी जो वो गुड्स इंडिया में भेज रही है वो नाराज है, तो वो यहाँ पे सेस्टैट के पास अपील फाइल कर सकता है। इतना एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ, ओके, यहाँ पे। तो ये था रिगार्डिंग टू सेक्शन 9C ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। चलिए अब बेटा ऑडिट की कुछ प्रोविजंस में यहाँ अमेंडमेंट क्या हुई देखिएगा, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है सेक्शन 99A में। मेरे ख्याल से ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ अमेंडमेंट है इन कस्टम्स। चलिए सेक्शन 99A देखिएगा, ऑडिट से रिलेटेड। नाउ जैसे आपको याद होगा तो ऑडिट की प्रोविजन जो है फाइनेंस एक्ट 2018 में आई, और पहले क्या होता था, पहले पूरा कंट्रोल असेसमेंट होता था। पहले कंट्रोल असेसमेंट मतलब थोड़ा मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा होता था कि जब तक आपके गुड्स का फिजिकल एग्जामिनेशन ना हो, ओके, आई रिपीट, जब तक आपके गुड्स का फिजिकल एग्जामिनेशन ना हो तब तक जो है यहाँ गुड्स का क्लियरेंस नहीं मिलता था। हाँ, एक बार गुड्स का क्लियरेंस मिल गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, फिर आप ओके असेसमेंट हो गया, सब चेकिंग हो गई, थोड़ा बहुत ऑडिट भी हो गया, मतलब आपके ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन भी हो गया, बाद में ही आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिलता था। लेकिन नौ बाद में ऑडिट की प्रोविजन लाई गई फाइनेंस एक्ट 2018 में, ओके, ऑडिट की प्रोविजन लाई गई, और वो ऑडिट की प्रोविजन में बेटा ये हुआ कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया इम्पोर्टर पर कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आपकी बिल ऑफ एंट्री चेक कर ली जाएगी और आपको क्लियरेंस ऑर्डर दे दी जाएगी। डिटेल में ऑडिट ट्रांजेक्शन्स का, ओके, मैं आपके रिमिटेंस है, फिर आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, टेस्टिंग ऑफ गुड्स है, तो ऐसे केस में डिटेल में ऑडिट बाद में होगा, और ये ऑडिट सिर्फ इंपोर्टर एक्सपोर्टर का नहीं होगा, ये ऑडिट सभी वो पर्सन जो इन्वॉल्व है, जैसे वेयर हाउस कीपर है, कस्टम हाउस एजेंट्स है, ओके, ट्रांसपोर्टर्स है, ये भी ऑडिट के स्कोप में लाया गया और इनका भी ऑडिट हो सकता है। तो नाउ पोस्ट क्लियरेंस जो है ऑडिट का प्रोविजन लाया गया, तो अगर किसी की केस रीअसेसमेंट में नहीं फंसी होगी या किसी की केस जो है यहाँ पे पहले ऑडिट में नहीं आई होगी, तो नाउ क्लियरेंस के बाद वो बंदे का ओके कस्टम में ऑडिट हो सकता है। आप समझ गए, कस्टम में ऑडिट हो सकता है। अब सुनिएगा, उसमें एक जो है उन्होंने सर्कुलर लाया, और सर्कुलर क्या लाया, तो अब उन्होंने ऑडिट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट और प्रीमाइज बेस्ड ऑडिट। एक बार फिर से हो जाए, ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट और प्रीमाइज बेस्ड ऑडिट, ये दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया ऑडिट के ट्रांजेक्शन्स को। मतलब हमारा जब ऑफिसर आएगा, हो सकता है आपके प्रीमाइज पे ऑडिट करने आए कस्टम में, या हो सकता है आपके रिकॉर्ड्स अपने ऑफिस में बुलाए, तो पहले तो आपका ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट ही किया जाएगा। मतलब आपने जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट किया उसका डिस्क्रिप्शन, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके इन्वॉइस, उसके परचेस ऑर्डर, ये वो सब कुछ आपका देखा जाएगा, तो ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट किया जाएगा। तो अंडर TBA ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट, ट्रांजेक्शन आर ऑडिटेड, इट मे बी नोटेड दैट TBA मे बी सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इन टू प्रीमाइज बेस्ड ऑडिट। मतलब पहले तो आपका ट्रांजेक्शन बेस ही ऑडिट होगा, लेकिन ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट में अगर पता चला कि अरे यार इसने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, ओके, नौ कुछ तो गड़बड़ है, डिटेल में जाना पड़ेगा, तो फिर आपका ऑडिट ट्रांजेक्शन बेस से शिफ्ट होकर प्रीमाइज बेस्ड ऑडिट में भी शिफ्ट हो सकता है। अब प्रीमाइज बेस्ड ऑडिट देखो क्या दिया है, अ न्यू प्रोविजन ऑफ कस्टम ऑडिट अंडर सेक्शन 99A ऑफ द कस्टम्स एक्ट
1962 has been extended the scope of premise based audit by including other entities who are concerned with the import or export. अब premise based audit में क्या होगा? ओके, अगर आप ऑडिटी की डेफिनेशन देखोगे तो पहले क्या होता था, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के ही ऑडिट होते थे मोस्टली, लेकिन अब यहाँ पे कस्टम हाउस एजेंट, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस कीपर, जो जो भी वो ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व है, ओके, सबकी प्रिमाइसेस के ऑडिट किए जा सकते हैं, सबको चेक किया जा सकता है. तो आइदर ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट होगा या प्रिमाइस बेस्ड ऑडिट होगा. लेकिन अगर ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम पता चल जाए तो उसको प्रिमाइस बेस्ड ऑडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और हर वो एंटिटीज जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व थी, ओके, फिर वो वेयर हाउस कीपर हो, कस्टम हाउस एजेंट हो, ट्रांसपोर्टर हो या बायर हो, सबको ऑडिट में लिया जा सकता है. इन पीबीए कस्टम वुड रिव्यू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओवर अ गिवन पीरियड एंड चेक ऑल द रिलेवेंट कमर्शियल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपके सभी कमर्शियल रिकॉर्ड्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, सभी वेरीफाई किए जाएंगे. PBA would be enable the department to breach the communication. Okay, so PBA would enable the department to breach the communication. So PBA would enable the department to breach the communication divide and usher in new era of partnership with trade. That means it will help, okay, it will assist, okay, the PBA audit will assist in this new international partnership era for their trade. Further, board may also select any criteria or theme for the audit. So in simple word, earlier custom control audit was there. Thereafter, two audit system, post clearance audit systems are notified. TBA and PBA. Department may carry TBA audit or PBA audit. Normally premises based audit, it should be in the premises of auditee. importer, exporter or any other entity involved. Okay, koi importer, exporter, unke saath koi entity agar involved hai, to unke premises pe bhi jaakar audit ho sakta hai. PBA audit jo hai, no doubt, okay, एक तरह का ब्रिज होता है टू कम्युनिकेशन डिवाइड एंड एक तरह का असिस्टेंस होता है इन न्यू ईरा ऑफ पार्टनरशिप विथ ट्रेड. ठीक है, तो ये कुछ उन्होंने नए ऑडिट मैकेनिज्म लाए. एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट टू असिस्ट ऑडिट कमिश्नरेट. द एग्जीक्यूटिव कस्टम कमिश्नरेट शैल असिस्ट द ऑडिट कमिश्नरेट. सेकेंड जो अमेंडमेंट हुई, द एग्जीक्यूटिव कस्टम कमिश्नरेट शैल असिस्ट ऑडिट कमिश्नरेट टू कंडक्ट थीम बेस्ड ऑडिट. That means transaction based audit or premise based audit. A chief commissioner shall put in place a suitable monitoring arrangement in review the progress and performance of audit. Apart from overall supervision, chief commissioner shall examine on selective basis a 5% of audit report selected randomly based on the quarterly report submitted by audit commissionerate to ensure that audit has been conducted as per the prescribed procedure. Okay, so time to time chief commissioner will check at least 5% cases whether audit is done properly or not. So in this way, a small amendment but important, they can ask short note on TBA and PBA audit. Okay beta, thereafter 99B, verification of identity and compliance thereof. So this section is not so much important. Now they will verify the audit identity of every importer exporter on the basis of their Aadhaar or other KYC documents. You can read these amendments, not so important for exam. So they will carry out the verification of every importers or exporters, okay, on the basis of Aadhaar or any other identity documents, but mostly they are emphasizing on Aadhaar. Okay, if your verification is failed, then they will stop your import export, refund, drawback, exemption, license for registration or any other benefits under customs. That means today every importer or exporter will be checked for their identity. Har importer or exporter apni identity ke liye check kiya jayega. Aadhaar based verification laya hai ya fir other aapko aapke KYC submit karne padenge aur aapka verification check kiya jayega, validate kiya jayega.
ओके, तो उसके लिए सेक्शन 99B उन्होंने लाया है, आप ये प्रोविज़न रीड कर लेना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, लेकिन आप रीड करके जाना, भरोसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे 99B सेक्शन। तो इस तरह से कस्टम्स की सभी अमेंडमेंट्स हमने पूरी कर ली है, बहुत कम अमेंडमेंट्स थी, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स थी। ओके, और वो हमने पूरी किया है यहाँ पे। डन, क्लियर बेटा? ओके, वेल सो बेटा, इस तरह से हमने सभी अमेंडमेंट्स देखी, जीएसटी की देखी, कस्टम्स की देखी, बट एक बात आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट लिमिटेड आता है, थोड़ा ये कोर्स भी टफ है, तो बेटा जो भी आपका रिजल्ट लगा लास्ट अटेम्प्ट में सब भूल जाओ, पूरे एनर्जी के साथ इस बार बहुत अच्छे से पढ़ो। दूसरी एक बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा आपका प्लानिंग, फ्रिक्वेंट रिवीजन होनी चाहिए, इस तरह से बनाओ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि मेमोराइज द थिंग्स, तो जितने ज़्यादा बार आप फ्रिक्वेंट रिवीजन करोगे, टेस्ट सीरीज के पेपर लिखकर देखोगे, आंसर्स लिखकर देखोगे, अमेंडमेंट्स पे ध्यान दोगे, पिछले 2-3 साल के आरटीपी सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। बेटा अगर आपका ये दूसरा अटेम्प्ट या तीसरा अटेम्प्ट होगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई तो आपकी ऑलरेडी हो गई है, कंसेप्चुअली बहुत सी चीज़ें आप समझ गए हो, भूल गए वो बात अलग है, पर समझने में आपको दिक्कत नहीं है, अगर तो एक बार भी रीड कर लो तो फटाक से याद आ जाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जितना हो सके उतना अब पढ़ाई रेगुलर बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करो, इसलिए मेरा क्वेश्चन यार आपको बहुत हेल्प करेगा। इस बार बहुत से स्टूडेंट का फीडबैक है कि सर आपके क्वेश्चन यार ने बहुत हेल्प किया, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 जो है अभय, उसका क्लियर फीडबैक मुझे आया था कि सर ओके आपके बूस्टर और क्वेश्चन यार ने मुझे बहुत हेल्प किया, जिसके वजह से एक टाइम पे रिवीजन भी कंप्लीट हो पाया और प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो भी, उसका भी हेल्प हो पाया। तो बेटा मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ आपको जो है, आई रिपीट, आपको बेटा यहाँ पे जितना हो सके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, इस पे जितना आप प्रैक्टिस कर सको, मेरे क्वेश्चंस बुक में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स, इस पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना आपको हेल्प होगा। तो ये मंथ में कंप्लीट, एक बार फटाफट रीडिंग कंप्लीट करो, अगले मंथ में क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्ज़ाम के हिसाब से, स्पेशली IDT सब्जेक्ट, इसके वीडियोस मेरे आते रहेंगे। आप वी स्मार्ट के चैनल्स को सब्सक्राइब करो, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डालते रहूँगा। अभी तो बेटा हमने अमेंडमेंट्स ख़त्म किया है, ये अमेंडमेंट्स कंप्लीट करो, फटाफट सब्जेक्ट को ख़त्म करो, और नेक्स्ट मंथ में जितने ज़्यादा हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व करके देखो, हो सकता है तो टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है बेटा, आज यहीं रोकते हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। ओके, मेरे कंटिन्यूस अपडेशंस आते रहेंगे, चार्ट रिविजन्स भी आते रहेगी। ओके, तो चार्ट रिविजन वो लेक्चर भी अपलोड होगा, ओके, वो मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में अपलोड होगा, तो चार्ट रिविजन जो है वो भी ज़रूर कीजिएगा, वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। डन बेटा, चलो यहाँ रुकते हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और इस बार एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आओ। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।